नमस्कार सर आगे। नमस्कार संदीप नमस्कार भैया, नमस्कार, क्या हाल चाल? बस और कैसे हैं? दुआएं तुम्हारी। गुड अरे बाप रे, आप तो पूरा अरे मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया प्रदीप, तुम भी एकदम ठंडो रही, कहाँ से हो तुम? सर मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, ठंड पड़ रहा है वहां पे? ऐसे ठंड अभी तो नहीं पड़ रहा, बस ऐसे ही। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून धम्मदीप। तुम लोग सब कमेंट करते हो, मैं पहली बार तुम लोग चेहरे देख रहा हूँ। सर मैं तो आपसे मिल चुका हूँ बहुत बार कॉल करके। तो तो कॉल पे कैसे मिलते हैं? मैं कॉल पे मिल चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ चेहरा पहली बार देख रहा हूँ, तो कह रहा मैं कॉल पे मिल चुका हूँ पहली बार भी। सर आप पहली बार। हाँ, तो चलो पूछो क्या पूछना है। सर ओबलोई में जॉब कैसे पाई? क्या सर ओबलोई में जॉब कैसे अबे पाई? हिमांशु कपड़े पहन ले फिर ऑन कर, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर ओगलोई में जॉब कैसे पाए? ओगलवे, ओगलवे में कौन सी जॉब चाहिए? फर्स्ट बोल रहे हैं तू एज ए कॉपी राइटर, हाँ तो इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। इंग्लिश। हाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। हाँ तो सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए वहां पे, सिर्फ किताबें पढ़ो इंग्लिश, क्योंकि कॉपी राइटर का वही काम होता है। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी। और कॉपी राइटर के लिए बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि मतलब तुम्हें मास कॉम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर 10th फेल तो तुमको जॉब मिल जाएगी वहां पे, बस यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, क्योंकि वहां जितनी कॉपीज बनती है मोस्टली इंग्लिश बनती है। और यू आर एक्सेप्शनली गुड इन हिंदी तो ओके भी चांसेस है वहां पे कॉपी राइटर, क्योंकि कॉपी राइटर का बेसिक सैलरी बहुत कम होता है, 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होता है। उसके ऊपर फिर वो बढ़ते जाते हैं सीनियर कॉपीराइटर वगैरह करके, इनिशियल एंट्री बहुत कम पैसों में होती है। और उसके बाद सर क्रिएटिव डायरेक्टर सर आगे बन जाते हैं ना 2-3 साल बाद में, वैसे हाँ मेहनत वो करते। नहीं, वहाँ पे तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि 5 साल बाद में कुछ होगा। वहाँ तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हारे हाथ पे डिपेंड करती है, तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हो, कितने पढ़ाई करते हो, उसके बेसिस पे डेवलप होता है। बहुत लोग हैं जैसे वो है कौन, मैकन एरिक्सन का जो वो है सीईओ, अरे प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, हाँ प्रसून पीयूष जोशी, पांडे। नहीं, प्रसून जोशी, पीयूष पांडे ओगिलवे का है, मैकेन एरिक्सन का जो है प्रसून जोशी, जो कि रंग दे बसंती गाने लिखे हैं, वो सब लिखता है। उसने बहुत प्रोग्रेस करी, बहुत तेज प्रोग्रेस करी, बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी एट अ वेरी यंग एज, 40 साल में शायद बन गया था सीईओ ऑफ द कंपनी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम कितना वर्क करते हो वहां पे, किस तरह से डील करते हो लोगों से, कितने अच्छे कैंपेन्स है तुम्हारे। मान लो तुमने 3-4 कैंपेन बनाया वो हिट हो गए, यू विल ऑफ कोर्स गोइंग टू गेट अ प्रमोशन, ठीक है? तो वैसा है वहां पे। और सर ये भी है ना आइडिया, और सर इसमें आइडिया इसका कोर है ना सर, एडवर्टाइजिंग का आइडिया क्रिएट करते हैं तो। बहुत सारी चीजें एडवर्टाइजिंग में, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दो और वो बना देंगे, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। कॉपी राइटिंग में तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखने पड़ते हैं, होली का उत्सव है तो तुम्हें होली के बारे में चीजें लिखनी पड़ेगी, लेंस कार्ट है तो उसके बारे में कुछ कैप्शन लिखने हैं, एड्स बनाने हैं, सिर्फ एड का ही काम नहीं होता है तुम्हें, तो बुक मार्क्स बनाने हैं, उसकी वेबसाइट है, वेबसाइट में कैसे जो ऑफर्स आते हैं ना ग्रेट अमेजन सेल, ये भी कॉपीराइटर्स ही करते हैं कि चलो ग्रेट अमेजन सेल शुरू करते हैं, ऐसा करते हैं, हम एक नया चीज शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कोई दिवाली फेस्टिवल पड़ रहा है तो दिवाली फेस्टिवल में क्या कर सकते हैं, कैसे रेट कम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें एडवर्टाइजर्स करते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है कि कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए या वेबसाइट को प्रमोट किया जाए, वो सारा काम एडवर्टाइजर्स करते हैं। सो बहुत विविध है, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ वो आइडिया सोचते हैं एड बना देते हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है? जाओगे तो पता चलेगा, अगर तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है ग्राफिक डिजाइन कर लो, बहुत इजीली काम मिल जाता है किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। एटमॉस्फेयर बहुत कूल रहता है, थोड़ा सा इंग्लिश रहता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ जितने लोग हैं सब इंग्लिश में ही बात करेंगे और एक्सपेंसिव खाना खाएंगे, सो जेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हाई क्लास सोसाइटी वाला हो जाता है। और हाई क्लास सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है कि 4 हाई क्लास सोसाइटी वाले हैं, 5 नहीं होंगे, और वो जो 5 हैं वो फिर हाई क्लास सोसाइटी बनने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो? तो फिर वैसे ही खाना मंगाएंगे, वैसे ही इंग्लिश में बात करेंगे, कल्चर ही वैसा है वहाँ का। एडवर्टाइजिंग का कल्चर ही थोड़ा सा अर्बन है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का इंसेप्शन ही यूएस की 5th एवेन्यू से हुआ है, तो यूएस में एडवर्टाइजिंग बहुत चलती थी, तो वही ब्रांचेस निकल निकल के आएंगे। और कोई सवाल? और इसमें सर एंट्री करने का सर यही तरीका है ना एज ए कॉपी राइटर? नहीं, वो डिपेंड करता ना तुम्हारी क्या वो है, पर कॉपी राइटिंग इज द इजिएस्ट वन टू एंटर, because that's the place where you don't have to do much, you just given a concept, write the idea, or you given some English caption कि इसको हिंदी में कर दो या हिंदी caption कि इसको इंग्लिश में कर दो, कितना attractive way में कर सकते हो, तो
तो वो सारी चीजें तो कॉपी राइटिंग में आ जाती है, तुमसे कॉपी मांगी जाएगी 90% ऑफ टाइम, पहले 3-4 महीने तुम जो भी लिखोगे सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बस इतनी करिए खूब सारी, ठीक है, दैट्स द प्लेस वेयर यू लर्न द थिंग, ठीक है, यू माइट थिंक कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, फिर वहाँ नहीं उनको समझ में आएगा, so, इस तरह से करते करते आप ऊपर बढ़ते हो, सीधे समझने लगते हो, ठीक है, ओके okay. और सर ग्राफिक डिजाइन से जाए तो कैसे, क्या क्या ऐसे एज ए ग्राफिक डिजाइनर फिर कैसे प्रोसेस होगा? कुछ नहीं, अप्लाई करो तो प्रोसेस क्या होगा बे, वेबसाइट पे एड्रेस पढ़े, ईमेल पढ़े, ईमेल निकालो, मैसेज करोगे सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, आई वांट टू वर्क इन योर एजेंसी, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड ग्राफिक डिजाइनर, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड गाइस जो अच्छा लिख सकते हैं वो कर सकते हैं, पर आपने कुछ भी नहीं किया और आप एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हो तो प्रॉब्लम है, आपके पास एक भी एक स्किल सेट होना चाहिए, कोई तो एक स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है, ओके ओके थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर मैं नेक्स्ट ईयर मुंबई जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ एक्टिंग एक्टिंग फील्ड में, तो सर मुझे आप बताइए कि वहां पर जाके मैं पहली चीज क्या करूँ जिससे मैं एक्टिंग में ग्रो हो पाऊँ इस फील्ड में, वहां पर जाके नहीं, यहीं पे बैठ के करना पड़ेगा जहाँ पे हो तुम, तैयारी पहले करनी पड़ेगी, जो क्षेत्र में जाके थोड़ा तैयारी करोगे, प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ पर एक्टिंग क्या करते हो सर, जो आपकी एक वीडियो थी मैंने देखी थी एक्टिंग के ऊपर, वहां पर आपने काफी सारी चीजें बताई थी एक्टिंग के एक्सरसाइज वगैरह, तो वो सारा मेरा वीडियो, अपना बताओ तुम क्या करते हो, तैयारी कैसे करते हो? सर मैं आप वही कर रहा हूं, मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस करता हूं आपकी वीडियो देखकर, फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, बट जो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, हां तो वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस इज अ फिजिकल एक्टिविटी, बेसिकली यू आर जस्ट पैसिवली वाचिंग वीडियोस, तुम सिर्फ बैठ के वीडियोस देख रहे हो, दैट इज नॉट एक्टिविटी, उससे एक्टिंग नहीं आएगी, यू हैव टू एक्ट, फॉर एक्टिंग यू हैव टू एक्ट, फॉर राइटिंग यू हैव टू राइट, सिर्फ सोचना से थोड़ी ना होगा, यू हैव टू वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स, यू हैव टू know about the actors, ठीक है, तुम्हें थिएटर ज्वाइन करो, कुछ नहीं तो थिएटर ज्वाइन करो, किसी की शॉर्ट फिल्म बन रही है छोटे में एक्ट करो, ठीक है, डायलॉग्स याद करो ताकि मेमोरी अच्छी हो, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड लाइक दैट तो मुंबई में जाके घूमते रहोगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस तरह से कि आ जाते हैं, मतलब कि चलो हमें यहाँ पे कुछ करना है, पर उसके बाद प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे मुंबई आके जैसे सुपरस्टार बनने मेन लीड पर, तो मुझे क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस करने पड़ेंगे? पर आपने एक अपनी वीडियो में बताया था कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने मुकेश छाबड़ा के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी, तो इस कारण से मुकेश छाबड़ा ने उसे लॉन्च कर दिया, तो वो दोस्ती कैसे कर सकते हैं हम किसी कास्टिंग डायरेक्टर से? दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी एक ही तरीके से हो सकती है कि तुम मुंबई में जाके क्लब पार्टीज अटेंड करो, कैफेज में जाओ, लोगों से मिलो, और कोई तरीका थोड़ा ना, रोड पे दोस्ती होती है लोगों से, ठीक है, काम करते करते दोस्ती होती है, तुम ऑडिशन दोगे वहां दोस्ती हो जाती है, एवरीवेयर यू कैन मेक फ्रेंड्स, देयर इज नो पर्टिकुलर लॉ और डेफिनेशन लाइक दैट, बट फॉर दैट अगेन यू हैव टू डेवलप स्किल्स, ठीक है, स्किल्स ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, कैसे तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, लोग वहां पे तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, अमीर अमीर आदमी जो है तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें जैसे मैंने बताया था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ो, मस्ट बुक है हर किसी के लिए, ये मैनिपुलेशन नहीं है, इसको मत सोचना, ये मैनिपुलेट करके आप सामने पर, ठीक है, व्हाटएवर वर्क्स, जो वर्क करता है, अगर दोस्त बन जाते हैं तो मैं ये थोड़ा वहां पे लाइफ टाइम की रिलेशनशिप रखनी है, तुम्हें तो काम निकालना ना, बेसिकली तुम्हें काम मिलना चाहिए, पर अपमोस्ट थिंग ये है कि तुम्हें एक्टिंग आनी चाहिए, डोंट फोकस ऑन दीज थिंग, मैं दोस्त कैसे बनाऊंगा, इतने साल बनाए हैं बन जाएंगे आगे भी, मेन चीज है तुम्हें एक्टिंग आती कि नहीं आती है, अगर एक्टिंग नहीं आती है तो नहीं मिलेगा काम जी, वो और एक्टिंग आने का जो मेन क्राइटेरिया है वहां पे वो ये है कि आपको खूबसूरत होना पड़ता है, देखने में गुड लुक्स होने चाहिए आपके पास, और दूसरी चीज है ये नहीं करना कि अब भाई साहब तुम बैठ के देखो, बहुत सारे लोग 20-20 साल थिएटर करते हैं, अब तो नहीं कर पाओगे तुम वो चीज, ठीक है, सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इतना एक्टिंग सीखनी है कि तुम्हें कैमरे के सामने हेसिटेशन ना हो, ठीक है, पूरी बकचोदी कर सको कैमरे के सामने, और अगर तुम वो कर पाते हो तो तुम्हें काम मिलना शुरू जाएगा टीवी में, और फिर करते करते सीख जाओगे, ठीक है, पहले बस हेसिटेशन हटा लो अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो, और एक्टर बनने के लिए ऑब्सेशन जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पिक्चरें सिर्फ 2000 बनती है, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चीजें पड़ रही है, पर अगेन तुम मुंबई जाओगे, अभी तुम गए नहीं हो, गए हो मुंबई एक बार भी? नहीं सर गया नहीं हूं मैं। हाँ तो जब ऑडिशन की लाइन देखोगे ना, और ऑडिशन की लंबी सी लाइन देखोगे ना, जान निकल जाएगी अलग से बाहर, क्योंकि उसमें ना इतने हैंडसम लौंडे, इतनी खूबसूरत लड़कियां खड़ी होती है ना कि आदमी का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मैंने देखा है गांव से बच्चे आते हैं भाग के कि मुझे शाहरुख खान बनना है, किसी को ऐश्वर्या बनना है, वो जाके वहां पे जब खड़े होते हैं ना तो वो सब जो
रिच किड्स हैं उनको देख के ना सब कॉन्फिडेंस निकल जाता है, दे आर गुड लुकिंग, कोई यूएस से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू से आ रहा है, वो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के अंदर तुरंत घुस जाते हैं, तुम नहीं घुस पाओगे, सब कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे मिला था एक प्रोड्यूसर, कहता है कि मैं वो 5 लाख के घर में रहता था, 5 लाख मंथली रेंट उसके घर का, वो मुकेश छाबड़ा के ऐसे घुस जाएगा, उसे घुसा भी, उसने बोला मैं तो सीधे जाके घुस गया। तो मैंने कहा भाई आप घुस सकते हो क्योंकि आप बीएमडब्ल्यू से उतरे थे, जगुआर से उतरे थे, एक आम आदमी जो पैदल चलते हुए जाता है गंदी चप्पल पहने वो नहीं घुस पाएगा, मतलब उसके अंदर टैलेंट हो, समझ रहे हो। तो मैं बार बार अपने वीडियोस में तुम लोगों को बताता हूँ, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होता है और एक आइडियल अप्रोच होता है। आइडियल अप्रोच ये है कि मैं सीखूंगा, टैलेंटेड होऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पर प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज एवरीथिंग, ओके, योर कॉन्टैक्ट्स आर एवरीथिंग, वंस यू अंडरस्टैंड दैट नो मैटर हाउ मच टैलेंट यू हैव इट डजंट मैटर। सी क्या है, हमारी जो मेंटल प्रोग्रामिंग है ना हमारी सबकी, वो कैसे हुई है, मैंने क्यों ये सब चीजें जो वीडियोस बनाए उसमें सारी चीजें बताई है, वो ये है कि हमें बचपन सिखाया जाता है अच्छा करोगे अच्छा होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है, तुम महेंद्र टैलेंट है, तुम हार्डवर्क करो सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। टर्न्स आउट जब तुम मुंबई जाते हो तुम्हें एविडेंसेस मिलते हैं, बार बार सेम एविडेंस मिलता है कि तुम अच्छे लोगों के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हारा अच्छा नहीं होता, वही आदमी जिसका तुमने बार बार अच्छा किया वो तुम्हारे पीठ पे चाकू भोंक देता है, ठीक है। फिर तुम अपना टैलेंट डेवलप करते हो या तुम दूसरों देखते हो एक बंदा है जो बहुत टैलेंटेड है पर उसे काम नहीं मिल रहा है, एंड देन यू लाइक कि इसको क्यों नहीं काम मिल रहा है, इतने कम टैलेंटेड लोग भी सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर तुम किसी बड़े डायरेक्टर से मिलते हो, तुम सेट पे आते हो तो पता चलता है डायरेक्टर को तो डायरेक्शन ही नहीं आता, एंड देन यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस वर्ल्ड, देन यू डोंट नो हाउ दिस वर्ल्ड इज रनिंग। आपने मुझे रूल्स बचपन में बताए थे मेरे टीचर्स ने कि अच्छा करो अच्छा होता है, दैट इज नॉट वर्किंग, ठीक है, टैलेंटेड हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, दैट इज नॉट वर्किंग, देन यू रियलाइज देयर इज समथिंग एल्स टू इट, देन यू हैव टू मेक योर ओन रूल्स, समझ रहे हो। अगर वो पुरानी थिंकिंग को समझ के तुमने दिमाग में डाल लोगे उसी के हिसाब से चलते रहोगे तो वो थिंकिंग वहां पे जाके टूटेगी, और जब वो टूटेगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो वर्क नहीं कर रही है, पर तुम उसको छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि 30 साल से 20 साल से माँ बाप ने वो दिमाग घुसाई हुई है, टीचर्स ने घुसाई हुई है, दोस्तों ने घुसाई हुई है, वो एथिक्स वो मॉरल्स की दुनिया ऐसे वर्क करती है, पर वहां पर जब तुम जैसे होता नहीं कहते कि ये बुरा आदमी है बुरा होगा, बट देन यू सी सम बैड पीपल देयर हु आर डूइंग कॉन्स्टेंटली बैड थिंग्स एंड दे डोंट गेट एनी पनिशमेंट इन लाइफ, इंस्टेड दे आर एंजॉयिंग, उनके बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, दैट्स वेयर वी आर कंफ्यूज्ड एज ह्यूमन बीइंग, ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे काम मिलता है। अब जैसे प्रदीप ने पूछा ओगिलवे में मुझे काम चाहिए, ठीक है, मुझे भी चाहिए था, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया ना, ओगिलवे में तो अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक है, बाहर एक औरत बैठी होती है रिसेप्शन पे जो एक बिल्डिंग है उसके अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कंपनीज है, उसके 14th floor पे 16th floor पे ऐसे ओगिलवे ही है अलग अलग फ्लोर पे, ठीक है, किसी में कुछ काम होता है किसी में कुछ काम होता है। तो मैं गया तो वहां पर पूछते आप अपॉइंटमेंट किसके साथ है, अब तुम घंटा जानते नहीं हो किसी को, अपॉइंटमेंट कहां से ले लोगे, तुम तो काम करने आ रहे हो ना, रिज्यूमे दोगे डस्टबिन में डाल देंगे, ऊपर जाएगा भी नहीं हो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिज्यूमे डालोगे कोई कॉल नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिगरेट का डब्बा खरीदा और मैं बाहर खड़ा हो गया रोड पे, ओके, जितने भी एम्प्लॉयज है मुंबई में सब सुट्टा पीते हैं, ठीक है, अब खड़े हो जाओ वहां पे और फिर देखो एक और अच्छी चीज कर दी है कंपनीज ने, सबसे पहले पट्टा डाल दिया है, तो तुम्हें पता है कि ओगिलवे का बंदा है, ठीक है, अब तुम्हें पता है ओगिलवे का बंदा है तो तुम उससे बात करना शुरू कर दो, हेलो मेरा नाम ये है, वहां तुम्हें ना वो चीज सीखनी है कि अनजान आदमी से रोड पे कैसे बात करें, जब वो सीख जाओगे मुंबई में तो सर्वाइव करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब वो सीखने का जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैंने एक बार क्या किया था कि एक दुकान से 5-6 किताबें खरीदी 500-600 रुपए की, मुझे किताबें नहीं बेचनी थी पर मैं लोगों जाके किताबें बेचता था, 4 दिन लगाए एक किताब नहीं बिकी, तब मुझे पता चला लोग पढ़ते नहीं इतना, पर उसके चक्कर में मैं अनजान लोगों से बात करना सीख गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक A4 शीट निकाली, एक पैड खरीदा, A4 शीट निकाली, A4 शीट में एक्सेल शीट वाला कॉलम बनाया, उसमें फर्जी नाम ऊपर 3-4 लिख दिए और साइन मार दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो लेके मैं रोड पे निकलता था और रोड पे निकल के मैं लोगों के इंटरव्यू लेता था, रैंडम लोगों के। पहला जो आदमी को मैंने बात की थी उससे बात करने में मुझे 4 घंटे लगे, 4 घंटे तक मैं रोड पर टहलता रहा, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी को रोक के मैं बोल दूं कि आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। पर जब तुम इसको कॉन्कर कर लेते हो, उस फियर को कॉन्कर कर लेते हो अजनबी लोगों से बात करने का, एक बार वो हो जाता है उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, यू कैन टॉक टू एनीवन, यू कैन टॉक टू सिक्योरिटी गार्ड्स, यू कैन टॉक टू एनीवन, रैंडम रोड पे आदमी से तुम बात करना शुरू कर दो, गप्पे मारना शुरू कर दो, दैट्स वेयर यू रिमूव योर हेसिटेशन। सो व्हेन यू गो ऑन सेट्स, सर जैसे मुकेश छापे उनके पीछे तो हजारों एक्टर घूमते होंगे, हजारों लाखों, जी सर, उनका अटेंशन हम कैसे अपनी तरफ कर सकते हैं कि हां ये बंदा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, समझ जाओ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे सर सुशांत सिंह राजपूत, आपने बताया कि आपने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने दोस्ती कर ली थी, वो चीज हम कैसे कर सकते हैं किसी भी कास्टिंग में। सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता से ऑलरेडी टीवी का बड़ा स्टार था, समझ रहे हो, और जब वो टीवी का ऑलरेडी बड़ा स्टार था तब मुकेश छाबड़ा कुछ नहीं था,
मुकेश छाबड़ा 2011 में आया है, ठीक है, उससे पहले वो छोटा मोटा एक्टिंग करता था, इधर उधर करता था, उसे कास्टिंग का काम मिला चिल्लर पार्टी में, फिर करके वो दूसरी पिक्चर करने लगा, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर से एकदम हाईलाइट हुआ है वो, ठीक है, उससे पहले वो कुछ नहीं था, तो वो मिलता रहता हुआ एक्टर से, कास्टिंग करता होता है, सुशांत सिंह से मिलता रहता होगा, तो सुशांत उस टाइम में ऑलरेडी बड़ा एक्टर था। बहुत लोगों की गलत फहमी है, लोग सोचते हैं अरे ऐसे कैसे दोस्ती हो जाती है, जैसे शाहरुख की इतनी लोगों से दोस्ती हो गई, पिक्चर कैसे रिलीज हो गई, ये लोग ऑलरेडी बड़े स्टार थे, पीपल डोंट नो दैट। शाहरुख डीडी1 का ऑलरेडी टॉप स्टार था, रेणुका शाहने का इंटरव्यू देखो, उसने बोला है कि शाहरुख शूट करता था, ये 91 से पहले की बात बता रहा हूँ, 20,000 का क्राउड आता था उसको देखने के लिए, और ये बात तब है जब उसकी फिल्म रिलीज नहीं हुई, वो ऑलरेडी टीवी का सेलिब्रिटी था, तब उसने मर्ज किया फिल्मों में, ऐसा नहीं ऐसे मुंबई में लड़के आते हैं कि शाहरुख खान बनना है शाहरुख खान बनना है, एकदम से नहीं बना, इट टुक हिम टाइम, बट वी डोंट नोटिस दैट टाइम, हम सीधे देखते हो सीधे शाहरुख खान बन गया, डीडीएल जाए और सुपरस्टार बन गया, ठीक है। सो पहले तो अपने एक्टिंग पे वर्क करो, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पे वर्क करो, और टोटली टोटली एक्टिंग पे वर्क करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट डेवलप होंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट डेवलप होंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, कैसे हैं? बस बढ़िया, दुआएं तुम्हारी, तुम बताओ। और आपका मूवी कब बन रहा है? तू फाइनेंस कर रहा है? बना दूं अभी? अरे मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत क्यों करते हैं, मैं करवा दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर ही सकते हैं ना भाई, का चैनल भी कभी वीडियो भी शेयर किया तुमने, तो मूवी बनवा दूंगा। कितनी बार किया है आपका, जो 1000 का जो हुआ था ना, मैंने खुद अपने 5 चैनल से सब्सक्राइब कर लिया था। फिर 1000 के बाद पता चला कि फिर 5 कट गए उसमें। सही है यार, अभी तक पता क्या था, अभी तक क्या था, वो इंस्टीट्यूट में ना वो कोरोना था, तो हम लोग सेपरेट कमरे मिले हुए थे, तो आई वॉज मेकिंग वीडियोज, फिर अभी क्या हुआ क्लासेस ओपन कर दी उन्होंने, तो अब मुझे फैकल्टी रूम दे दिया जहाँ पे सब लोग टीचर साथ बैठते, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी तो फिर आप वो टीचर ही हो गए फिर? हाँ, कुछ टाइम के लिए तो हुई गया हूँ, तो अच्छा है। अब सोचो जो काम आपको अच्छा लगता है अगर उसे करने के पैसे मिले तो फिर क्या बुरा है। देखो मुझे बुक रीडिंग अच्छी लगती है, सो आई गेट टू रीड बुक्स हियर, आई कैन वॉच फिल्म्स हियर, एंड एक और चीज है, ओवर द टाइम तुमने मेरे वीडियोस में देखा होगा, आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट डिसोसिएटेड फ्रॉम द फिल्म, मैंने फिल्म देखनी बहुत कम कर दी थी, और इंटरेस्ट लूज नहीं हुआ था, पर यह था कि थोड़ा सा कुछ और चीजें एक्सप्लोर कर रहा था मैं, यहाँ पे आके ना उन बच्चों से बात करते करते बार बार मुझे वापस वो पुराने गॉडफादर और तारकोस्की और बर्गमैन फेलिनी जो मैंने कॉलेज में देख लिए थे वो सब याद आते हैं वापस, क्योंकि उन्हें पढ़ाना भी होता है, तो सीन्स दिखाने होते हैं, तो मैं वापस पिक्चरें देखता हूँ, डाउनलोड कर गया, फ्यू गुड मैन देखी, कभी सेंट ऑफ वुमेन देखी, गुडविल हंटिंग देखी, सो भी मेरा डिवीजन हो रहा है उन सब चीजों में, अगेन वॉचिंग फिल्म्स, अगेन रीडिंग दोस बुक्स, राइटिंग वाले बुक्स, जोसेफ कैंपबेल का या फिर क्रिस्टोफर वॉगनर की किताबें सब पढ़ रहा हूं, सो आई एम फीलिंग गुड राइट नाउ इन द सेंस कि आई एम अगेन रिवाइजिंग दोस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सक्सेस का एक एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ बोल ले क्या बोल रहा था, आप बोल दीजिए ना। मैंने एक चीज नोटिस करी, शायद मेरी फिल्में उस टाइम पे रिलीज होती ना जब मैंने बनाई थी, जब मैं बहुत बच्चा था और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल गए, मैंने पिक्चर बना दी उस टाइम पे, ठीक है, कोई खास पिक्चरें थी भी नहीं, पर अगर वो चल जाती किसी वजह से, मान लो गलती से चल जाती, ठीक है, ब्लॉकबस्टर हो जाती, मैं उसके बाद फ्लॉप हो जाता, ठीक है, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। सो आफ्टर दैट फेलियर ना, जो फेलियर्स हुए उसके बाद या जो फिल्में बंद हो गई वो सब हुआ, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू फिगर आउट कि अच्छा क्या गलती क्या करी मैंने, किताबें भी पढ़ी, पिक्चरें भी देखी, किताबें लिख भी दी, पिक्चर बना भी दी, व्हाट वेयर आई वेंट रॉन्ग, इट वाज ओनली अबाउट माइंडसेट, आई वाज इन द नेगेटिव माइंडसेट, आई हेटेड मनी, आई हेटेड पीपल, आई हेटेड दोस पीपल हु यूज्ड टू लाइक कमर्शियल फिल्म्स। आज लोग मुझे कुछ बोलते हैं कि अरे आप ना कमर्शियल फिल्म्स की बड़ी तारीफ करते हो, करण जौहर की भी तारीफ करते हो, आदित्य चोपड़ा की भी तारीफ करते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि दूर से बैठ के ना सबको इंटेलेक्चुअल बनने का शौक है, हमें इंटेलेक्चुअल बनना है, जैसे अभी किसने बोला था कान लड़ गया अवतार धीमन, उसने सुशांत सिंह राजपूत है, मुकेश छाबड़ा की तरह मुझे जाना है, ये करना है, अच्छी चीज है, इसके एम्बिशंस है, अब ये बोलता है कि नहीं मैं तो थिएटर करूंगा, थिएटर में अपनी जिंदगी निकाल दूंगा, मुझे पैसे नहीं कमाने, व्हाट काइंड ऑफ एम्बिशन इज दैट, ठीक है। कुछ चीजें ना जैसे मैंने बताया एथिकल मॉरलिटी मॉरल नहीं सुनने में अच्छी लगती है, बट दोज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, मैं पहले वही था कि नहीं मुझे मैं जिंदगी निकाल दूंगा रोड पे बिता के और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, सिनेमा इज एवरीथिंग, आर्ट इज एवरीथिंग, बट व्हाट इज आर्ट, आर्ट इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस ओनली, आई एम गोइंग टू फकिंग वेस्ट माय लाइफ ओवर इट, ठीक है। वो तो है सर, यहां पे भी वैसे मैं ओडिशा में हूं तो दिख ही जाता है कि मतलब यहां पे किसी को कुछ पता नहीं है लेकिन उनको फाइनेंसर मिल जाते हैं, लेकिन फाइनेंसर लेना, ठीक है, नॉलेज से नहीं मिलता, फाइनेंसर लेना इज अ ट्रिक, ट्रिक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको कुछ नहीं पता, मेरे से मेरे पास जितनी नॉलेज ना उसकी आधी की आधी की आधी नॉलेज उनके पास नहीं, बट येट दे मीट प्रोड्यूसर, व्हाई, लाइक आई टोल्ड यू दे नो हाउ टू डील विद ह्यूमंस, आई डिड, मैं इंट्रोवर्ट था, घर से पापा ने कभी ज्यादा निकलने नहीं दिया,
तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता था, ठीक है, तो वो जाके मैंने ओवरकम करा, वो प्रॉब्लम्स जो थी मैंने ओवरकम करी टाइम के साथ। पर इफ यू आर गुड एट ह्यूमंस, लाइक तुम सर्कमस्टांसेस की वजह से या घर की वजह से अगर तुम ऐसे लड़के हो तो घर से बहुत निकलते हो, लोगों से मिलते हो, एक्सट्रोवर्ट हो, दैट इज इजी फॉर यू टू फाइंड अ फाइनेंसर। लाइक आई एम अ लोनर काइंड ऑफ गाय, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादातर घर पे बिता लेता हूं, ठीक है, आई डोंट नीड टू टॉक टू पीपल। पूरा का पूरा फैमिली हो गया सर आपका, 2000-3000 तक हो गए? हाँ नहीं, अभी 2000 हुए, 1700 हुए, तीन हो जाएंगे कभी आराम से, इस वर्ष से ही होंगे। अभी मैं लखनऊ में होता तो फिर बना देता, 500 करने का प्लान था मेरा। मैं मतलब मेरी भी एक इच्छा है कि मतलब आपको एक डायरेक्टर की तरह मैं पूरा फुल टाइम देखना चाहता हूँ। वो बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। मैं तुम लोगों को शायद बताया था, सी अगेन पेशेंस इज द वर्च्यू। मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर से मिला था, उन्होंने मेरे को मुझसे पूछ रहे थे वो कि तुमने क्या किया क्षतिश, तो मैं उनको बता रहा था ये किया ये किया ये किया ये किया, पर ये चीजें नहीं हुई, मुझे डायरेक्टर बनना था। अबे कौन है, कौन इतनी आवाज कर रहा है? सो मैंने कहा मुझे ये करना था ये करना था, कह रहे तो इतना पेशेंस क्यों लूज कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना 24 साल की उम्र में सब कुछ चाहिए होता है, 25 साल की उम्र में सब कुछ चाहिए होता है। ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि हम लोग एग्जांपल से, हम एग्जांपल से वही देखते हैं ना, हमें लगता है कोई आदमी 24 साल की उम्र में ये बन गया, देन वी वांट टू एमुलेट दैट, बट 90% ऑफ पीपल अचीव देयर सक्सेस आफ्टर व्हाइल, 10 ईयर 15 साल देने पड़ते हैं। आई स्टार्टेड लेट बिकॉज आई डिड माय बीटेक, आई डिड माय जॉब एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी क्या है कि यू हैव टू कीप द पेशेंस, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम्हें लगा अरे 10 साल तो हो गए, नहीं, वहाँ ऐसे तो लोग हैं जिन्हें 15-15 साल बाद सक्सेस मिली है। दे रसिका दुग्गल कब आई थी, NSD किया, FTI किया, उसके बाद लोग आते हैं, 6 साल तो उनके उसी में निकल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद 5-6 साल का स्ट्रगल और समझ लो, ठीक है। सो उतना टाइम नहीं हुआ है, ऐसे लगता था मुझे भी मुझे बहुत टाइम हो गया, नहीं, बट इट टेक्स टाइम्स टू बिकम मैच्योर, ठीक है, सक्सेसफुल। सबकी अपनी जर्नी यार, सबकी अपनी जर्नी है, मतलब कि जरूरी नहीं है किसी ने बोल दिया तुम्हें शादी करनी है तुम शादी करो जिस टाइम पर तुम्हें बोला जा रहा है, जरूरी नहीं है तुम्हें एक्टर ही बनना है या उस टाइम पे एक्टर नहीं बने। मैं मुंबई में देखता हूँ, मैं आज ही किसी को बता रहा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ही कुछ रिहर्सल कर रहा था ऐसी कोई फिल्म की, तो मैंने उसको पलटा और सॉरी मैं पलटा, मैंने कहा चल ऐसा 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 घूम जाए, और वो जो घूमा तो सामने पंखे से एक लाश लटक रही थी आदमी की, ठीक है, मेरे सामने वाले घर में, ही वॉज एन एक्टर, ही जस्ट कुडंट हैंडल इट, और मुझे पता नहीं था उसकी बीवी जो थी या गर्लफ्रेंड जो थी वो पीछे दरवाजा पीट रही थी, तो हमने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई, उसकी लाश लेके चली गई, ही वाज ऑलरेडी डेड, वी डिडंट सी इट। वो तो जब पलटा एकदम से मैंने देखा कि अरे तो लाश लटक रही है यहां पे, ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो स्ट्रगल इन मुंबई इज नॉट फिजिकल, इट्स मेंटल, ठीक है, तो वो आपको कॉन्कर करना होता है। मैं बहुत एंग्जाइटी प्रॉब्लम थी मेरे को, बहुत वरी की प्रॉब्लम थी, बहुत सोचता था मैं, ओवर थिंकिंग थी, ओवर एम्बिशंस थे, ठीक है, इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू गेट ओवर दोस थिंग्स first of all, and second, I was not to be blamed for it. It was how I was made by God. ठीक है, मेरे दिमाग को उसने एक particular तरीके से बनाया है, मेरे circumstances में, जो circumstances में बड़ा हुआ हूँ वहां से मेरा दिमाग वैसा था कि मैं worries करता था, anxieties थी, nervous हो जाता था। अगर मैं, वो याद है मैं जब 10th का exam दे रहा था, मैं बेहोश हो गया था, ग्लूकोन्डी पिलाई गई थी, मेरी टांगे हिलने लगती थी, आई वॉज वेरी नर्वस गाय, ठीक है, बहुत घबराता था, लड़कियों लड़की अगर मेरे हाथ रख देना मैं बेहोश हो जाऊंगा ऐसा ऐसे हालत थे मेरे, ठीक है। फिर बाद में गर्लफ्रेंड बनाई तो फिर ठीक हो गया, पर यू हाउ यू कॉन्कर दिस, यू मीट मोर पीपल, ठीक है, यू डू द सेम थिंग ऑफ व्हिच यू फियर, एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीजें ओवरकम करी। आई वाज नॉट अ रीडर, मैं ऐसा नहीं था, बचपन से मैं रीडिंग कर रहा था, ठीक है, मैंने रीडिंग बहुत लेट शुरू करी है, आउट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पीपल से शुरू की, बिकॉज आई नीडेड दैट, मे बी यू डोंट नीड इट सो यू आर नॉट रीडिंग इट, बट आई नीडेड इट बिकॉज मेरे दोस्त ही नहीं बनते थे, क्या करूं, सॉल्यूशन क्या है। तो ये किसी ने बोल दिया कि आप ये किताब पढ़ो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो पढ़ लेता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, पढ़ा और मैं आई वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाइस इन द कॉलेज आफ्टर डूइंग दिस, एंड आई रियलाइज व्हाट मिस्टेक्स आई वाज मेकिंग, सो वहां से लाइफ चेंज हुई, एंड देन आई रियलाइज कि ओके, लोग कहते हैं ना किताबें आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी बुक्स हु हैव चेंज्ड माय लाइफ। मैं तो बताता हूँ ना, मैंने एक वीडियो बनाया था पिकअप आर्टिस्ट वाला, मुझे बताना नहीं चाहिए पर बता देता हूँ तुम लोगों को, पिकअप आर्टिस्ट वाला बनाया था कि लड़कियां पटाने वाला जो भी था, ठीक है। सो मैं मुंबई में था और रिलेशनशिप भी मैंने बताया था तुम लोगों को, रिलेशनशिप को हम इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादा, करियर बनाना है, सेक्स सॉरी सेक्स सुन लो, करियर बनाना है और ये करना, हम सेक्स नहीं करेंगे, हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वी डोंट बैलेंस लाइफ, हम उसको डिसबैलेंस कर देते हैं लाइफ को, हमें ये करना है तो हम ये नहीं करेंगे, हम ये करना है तो हम वो नहीं करेंगे, ये स्टूपिड सैक्रिफाइसेस बनाने लगते हैं उसको। आप जो करना चाहते हो करो, फर्जी के सैक्रिफाइसेस क्यों कर लो, सैक्रिफाइस करना है सिगरेट छोड़ो, सैक्रिफाइस करना है दारू छोड़ दो, वो चीजें छोड़ो, लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको कैसे छोड़ सकते हो आप, ठीक है। सो
मेरी भी रिलेशनशिप नहीं थी, कॉलेज में था मेरा मुंबई पहुंचा मेरा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अब मुझे वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आई विल फोकस ऑन माय लाइफ एंड करियर एंड आई वांट टू बिकम बिग डायरेक्टर एंड ह्यूज डायरेक्टर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो आई डिड गेट इनटू एनी रिलेशनशिप्स। 6 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ भाई साहब लड़कियों से तो बात ही नहीं होती मेरी, और मैं बात करना भूल गया लड़कियों से, ठीक है। सो आई रियलाइज कि समवन बिफोर मी माइट हैव गॉन थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। This is the problem. तुम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, तुम्हें सुपरस्टार बनना है अवतार, ठीक है। बट समवन बिफोर यू हैज रियलाइज्ड कि ओके आई आल्सो वांट टू बिकम अ सुपरस्टार, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड कि मुझसे पहले भी किसी ने वो चीज करी है और उसने उसके बारे में किसी किताब में लिखा है, तो मुझे अगर मैं वो गलतियां ना करूँ जो उसने करी थी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ क्या है बेसिकली मुंबई जाके 10 साल तुम गलतियां करोगे ना, दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। तो अगर वो गलतियां जो तुमसे पहले इंसान कर चुका है अगर तुम उसको अवॉइड कर दो, and how you become successful, and books are what brains on table. So, जो तुमसे पहले गलतियाँ कर चुके वो मत करो. So I started reading those books. So I came to know about this underground world called pickup artist, जो ये सिखाते हैं कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, लड़कियों से कैसे डील किया जाता है, गर्लफ्रेंड कैसे बनाई जाती है. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि माइंड मेथड्स टेक्निक है या फिर ऐसा बताएंगे कि काम करो हिप्नोटाइज कर दो लड़की को और ऐसा कर दो उसको उठा के ले जाओ उसका गंदी हरकतें करो, वैसा नहीं है। बहुत सिंपल टेक्निक्स है, मतलब जैसे सिंपल बात है ना, जैसे हम लोग गंदे बन के भंगी बन के गंदे कपड़े पहन के चले जाते हैं लड़कियों से मिलने, बाल निकल रहे हैं इधर बगल से, बाल निकल रहे हैं नाक से, बाल निकल रहे हैं, मिलने चले जाते हैं। एंड देन वी थिंक लड़की हमको अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, लड़की हमको रिजेक्ट कर देती है तो हम उसको गाली देना शुरू करते हैं, अरे बिच है, प्रोस्टिट्यूट है, और ये है वो है, अपना डिवा करना शुरू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कितने गंदे हैं। अगर आपने सेंट लगा लिया होता, आपने शेव सही से किया होता, आप कपड़े अच्छे से पहने होते, ठीक है, आपने थोड़ी सी केयर दिखाई होती अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, तो लड़की आपसे बात क्यों नहीं करती? आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ठीक है। फिर दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या होती है, लड़की देखी इससे मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अभी लड़की से मिले भी नहीं हो, पर दिमाग में थॉट क्या किया, एग्जैगरेट कर दिया। तुमने क्या किया, एक पर्टिकुलर थॉट में इतनी वैल्यूज डाल दी, जब तुम लड़की के पास गए और उसने अगर ना बोल दिया तो तुम रिजेक्टेड फील करते हो और तुम 25 दिन डिप्रेशन में जाते हो। तुमने उस थॉट को बढ़ाना ही नहीं आगे, ठीक है। अभी और ये हम लोग हर चीज के साथ करते हैं, खासतौर पर निगेटिव थॉट्स के साथ करते हैं। जैसे कोई निगेटिव थॉट आया हम उसको बढ़ाना शुरू करते थे दिमाग के अंदर। कई बार ऐसा भी होगा कोई लड़की तुम्हें दिखेगी और बहुत खूबसूरत होगी, तुम उसे बात करना चाहते हो, पटाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, एंड देन यू विल थिंक कि नहीं यार इससे मैं बात नहीं कर सकता या इसके साथ ये नहीं होगा, और तुम सोचते हो मैं से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसे बच्चे पैदा करूंगा, मैं ये करूंगा, उसे ऐसा मिलूंगा, वैसा मिलूंगा। तुमने मेमोरीज बना ली विदाउट इवन गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंस। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है, तुम रिजेक्शन से इतने घबरा जाते हो कि तुम उस लड़की को अप्रोच ही नहीं करोगे, है ना। सो माइंड में फर्जी चीजें वो प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं एक सर, पूछ रहा था कि मतलब एक असिस्टेंट को कितना मतलब कितना असिस्टेंट असिस्ट करने के बाद खुद की मूवी बनानी चाहिए, मतलब उसको ये लगे कि नहीं मैं परफेक्ट बन गया कि एक मूवी बना सकूं, कोई शॉर्ट फिल्म हो या तो कोई फीचर फिल्म हो, कोई भी हो, तो कब तक इतना लगना चाहिए, मतलब 1-2-3 लिमिट कितना होना चाहिए, या तो 1 में भी हो सकता है या तो 10 में भी नहीं हो सकता। अपने आपको पहचानने का जरिया कैसे, मतलब कैसे मापने आपको मैं पहचान, बहुत फर्जी सवाल है, ठीक है, फिर भी जवाब देता हूँ मैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है सर, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तुम क्या जानना चाहते हो मैं बताता हूँ तुमको, जो तुम जानना चाहते हो वो बेसिकली ह्यूमन इनसिक्योरिटी है जो सबके अंदर होती है। वी जस्ट वॉन्ट टू नो वेयर द थ्रेशोल्ड वेयर वी बिकम परफेक्ट एंड गुड ऑन समथिंग, ठीक है। यू डोंट नीड टू नो दैट। तुम सेट पे जाओगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें घंटे समझ में नहीं आएगा क्या करना। मुझे एक्टर पूछेगा सर क्या करना है, बताता हूँ। डीओपी पूछेगा कहाँ कैमरा लगाऊं, अगर तुमने प्री प्रोडक्शन भी कर लिया है, बहुत पहले से प्लानिंग भी कर ली है, वो भी पहले दिन प्लान से चलेगा, दूसरे तीसरे दिन सब बर्बाद हो जाएगा, सब अपने आप हैपजर्ड हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट नीड टू नो दैट, मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट नीड टू असिस्ट समवन। सिनेमा इज एन आर्ट दैट यू लर्न बाय डूइंग ओवर टाइम, ठीक है। मैं अपने वीडियोस में बोलता हूं, बी शॉर्ट फिल्म बनाओ, खुद से सीख जाओगे। यू डोंट नीड टू सतीश देव ने किसको असिस्ट किया था, लेकिन उसके लिए सर तो वो ये तो चाहिए ना, उसके लिए तो असिस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे आपने कहा था मनी। हां तो पैसे के लिए असिस्ट करो ना, पैसे तुमने सवाल वो नहीं, तुम्हारा सवाल था मैं लर्न कितना करूं। पैसे के लिए असिस्ट करो, आई एम नॉट सेइंग ना, पैसे में तुम कॉल सेंटर में जॉब कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पैसे में तुम्हें मैनेजमेंट का काम मिलता है वो कर लो, लेकिन इसमें दो चीज हो सकते हैं सर, जैसे मैं पैसा भी मुझे मिल जाएगा और सीखने को भी मिल जाएगा, मूवी से अगर मैं पिच करता हूं तो वो करो मुझे मिल जाएंगे। तो जवाब तुम्हें पता है, फिर भी सवाल पूछ रहा है सर। एक मुझे वो बात जवाब तो पता ही था, आपने बहुत बार बताया है, लेकिन मेरे मुंह से सुनना था, लाइव सुनना चाहता था मैं, लाइव सुनना चाहता था और लाइव सुनना भी चाहता था, क्योंकि उस टाइम पर सुनता था, अभी पूछ रहा हूं। चलो शुभम कुछ पूछ रहा है, शुभम
सर आपने जो वीडियो बनाया था पिकअप आर्टिस्ट के लिए, वो इंसान मैं हूँ, मैंने कमेंट किया। अच्छा। तो सर प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो डर जाता हूँ, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आई कॉन्टेक्ट भी नहीं होता। तो उसके लिए अगर बुक्स पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, आपने कहा था पिछली वीडियो में। नहीं नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें, होता है बुक पढ़ने से ही होता है। अब क्या होता है, एक लड़की थी मेरी कोचिंग में जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, ठीक है, छोटा मतलब 11 12th में था। तो वो आती थी, पूरे कॉलेज के लड़के उस पर लाइन मारते थे, और मैं वो पता था कि शी इज आउट ऑफ माय लीग, कभी मैं उससे बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो मम्मी बहन दीदी है मेरी दूर की, उनको फोन करता दीदी क्या करूँ, कह रहे अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ये करो वो सब किया। वो मेरी तरफ देखती थी, वो किसी तरफ नहीं देखती थी, वो सर झुकाए आती थी, सर झुकाए जाती थी, बट शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। ऐसा मैं नहीं कहता था, मेरे तो उसको ध्यान भी नहीं दिया था, वो आसपास के बच्चों ने बोल बोल के मेरे को प्यार करवा दिया था उससे। उसको देख खूबसूरत कुछ नहीं, उसको कई बार आप इंटीमिडेट हो जाते ना दूसरे के लाइक से, मैं देखू सारे लोग पागल है, इवन टीचर जो था वो ऐसे देखता था उसको, इधर से उधर जा रही थी वो, मैं कहता टीचर तक पागल है उस लड़के के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। सो फिर मैं सोच रहा कैसे बात करूं क्या करूं क्या करूं, ठीक है। तो मैं ऐसे एक दिन कॉम्पिटिशन सक्सेस कर गया, ऐसी मैगजीन जैसे उठा उठा के देखता था, उसने एक लाइन लिखी हुई थी कि यू कैन टॉक टू एनीवन विद कॉन्फिडेंस इफ यू नो दैट यू नो मोर देन अबाउट मोर देन दैट पर्सन, ठीक है। तो तुम्हारी नॉलेज सामने वाले से ज्यादा है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज ने मुझे और मोटिवेट किया किताब पढ़ने के लिए। मैंने कहा अगर मैं किताब क्लास में फिजिक्स की सारी चैप्टर खत्म कर दूं और क्लास में 25 बार हाथ खड़ा करूं, लड़की तो आई मुझसे बात करने के, भाई साहब अगले दिन ही इरुडोव के 25-26 सवाल लगा दिए, अगले दिन क्लास आई, मैंने हाथ खड़ा कर करके वहां का स्टार स्टूडेंट बन गया, ठीक है। वो अलग बात है कि उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, एक ही दो दिन पढ़ाई करी, बट द थिंग इज नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते हो तो उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आई कॉन्टेक्ट बनाओ, ठीक है। लोगों की तरफ जबरदस्ती देखो, तुम्हें इवन देखने का मन नहीं करता है, इवन आई हैड दैट प्रॉब्लम ओवर टाइम। जब तुम अपने आपको शूट करोगे, अगर किसी से बात करो ना, अपने आपको शूट करना, कभी तुम्हारी आंखें ना लगातार ऐसे ऐसे जाती है, इधर उधर देखते रहोगे तुम, ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, स्टार्ट विद मेन, मतलब तुम्हारे जो दोस्त है ना उनसे बात करते रहे, उनके आंखों में एक तक देखते रहो। अमिताभ बच्चन के सीन देखे हैं तुमने अग्निपथ में, हम पिक्चर में, ही नेवर फ्लिप्स हिज आईज, वो आंखें ऐसे 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 नहीं करता है, ठीक है, उसकी आंखें ऐसी रहती है। प्रैक्टिस दैट, एक कील ठोक लो दीवार पे और उसको 10 मिनट तक लगातार देखो बिना आंख छपका है, यू इंक्रीज योर गेज। एंड दिस इज वन ऑफ दोस एक्सरसाइजेस जो एक्टिंग भी सिखाई जाती है, न्यूज रीडर्स को भी सिखाई जाती है, भाई जो इतनी आवाज कर रहा है पीछे दरवाजे की वो बंद कर ले, और ये सारी जगह सिखाई जाती है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक एक्सरसाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट यू शुड डू, दैट कील ठोको उस पर लगातार देखते रहो 10 मिनट तक एवरी डे, योर गेज विल बिकम स्ट्रॉन्ग। And eyes are the most important thing of human body. ठीक है, अभी हम लोग एक्टिंग में जो सारे इंडिया में रहता हूँ वो एक्टिंग सिखाते हैं, ठीक है। वो भाई साहब बच्चे आते हैं एक से एक महान, ठीक है, कुछ एटीट्यूड में, कुछ दिल्ली के एटीट्यूड में, कुछ अमीर बाप के लड़के ऐसे वैसे करके, ठीक है। वो फिर अनगमन सवाल करते हैं तो सर जो है कुछ नहीं बोलते, या मेरे साथ भी जब स्टूडेंट स्टूडेंट्स है तो फिर मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं, फिर मैं आँख ही दिखा देता हूँ, बिकॉज यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, आईज एक्सप्रेसेस एवरीथिंग, आईज एक्सप्रेसेस लव, आईज एक्सप्रेसेस इमोशंस, आईज एक्सप्रेसेस anger and everything. So your gaze has to be strong. So avatar, तुम्हारे मैं important चीज बताता हूँ तुमको. Al Pacino, Robert De Niro, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, everyone has one thing common. They don't flip their eyes because the moment you are on camera and you flip your eyes, you lose the contact with the audience. ठीक है? तो eyes पे बहुत concentrate करो. Amitabh Bachchan की पीछे देखो, तो note करना. आंखें उसकी अगर वो flip भी करेगा तो कुछ इधर उधर scene करके करेगा. Audience interact करता है. मुंबई के ज्यादातर actors को ये पता ही नहीं है कि आईज कितनी इंपॉर्टेंट है, दे डोंट एक्सरसाइज ऑन दिस, ठीक है। सर मैं आप मैंने ये एक्सरसाइज करनी शुरू किया 10 दिन हुए, मैंने आपकी वीडियो को देख के शुरू किया था ये। हां बहुत बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। और कोई सर एक मुझे मेरी प्रॉब्लम है सर, मैं ना बुक अरे 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 एक मिनट मिलन मिलन दूसरा तेरे सवाल पाता हूं। हां मिलन सर, जैसे आप अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो नए लोगों को चांस देंगे कि पुराने, इसको कब कौन करेगा? मैं आप शुरू करेंगे? हाँ जी, पुराने लोगों को आप पुराने लोगों को मौका दोगे कि नए लोगों को? पुराने लोग हम जैसे लोगों को तुमको मौका थोड़ा देंगे, तुमको बुला लेंगे सेट पे, आ जाओ एक डॉल क्या देखो, मतलब तुम चाहते हो मैं तीसरी फिल्म बनाऊं वो भी फ्लॉप हो जाए हैं? तुम लोग मैं किसी को एक्टर ले लिया, किसी को कुछ ले लिया, कुछ ले लिया, फ्लॉप करा दू पिक्चर अपनी। मेरे मेरे यूट्यूब चैनल में तीसरी फिल्म आ रही है, फिर मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तीन फिल्म बनाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा मैं चाहते नहीं हूँ मेरा अच्छा तुम लोग भाई, फिल्म बनाना एज अ प्रोफेशनल थिंग, ठीक है, एज अ टेक्निकल थिंग,
यू हैव टू हैव गुड हैंड्स, यू हैव टू हैव गुड इक्विपमेंट्स, ओनली देन यू कैन. ये आर्ट स्कल्पचरिंग की तरह नहीं है, ठीक है, कि मतलब सिंगल आदमी सब करता है. यहाँ पे क्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम एफर्ट है, ठीक है. मैं अकेले जाऊँ फिल्म बनाना मैं नहीं बना सकता, वरना मैं बना दूंगा 25-60 पिक्चर बना दूंगा. ऑलवेज अ टीम एफर्ट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डील विद ह्यूमंस. अगर तुम मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, देन जो मैं था अब नहीं हूँ, तो वो तुम्हें लाना पड़ेगा अपने अंदर. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट पर्सनैलिटी, अदरवाइज यू वोंट सक्सीड. ठीक है. हेलो सर. हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि आपने जैसे एडी बनने से पहले आपने जब कॉलेज वगैरह में फिल्म्स देखते थे, और एडी बनने के बाद में बिहाइंड द कैमरा जब देखते थे, तो बाद में आपने जब मूवी देखना स्टार्ट किया, तो आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ? कौन सा पर्सपेक्टिव? मूवीज, मतलब कैमरा कैसे एंगल होगा, और जो शूट किया. तुम लोग ना ज्यादा घुस जाते हो अंदर, इतना घुसने की जरूरत नहीं है. कैमरा एंगल, अबे कैमरा उठाए शूट नहीं, कैमरा नहीं सर, रिलेटेड टू कैमरा नहीं, बट लेकिन एक्टिंग के इसमें पूछ रहा हूँ सर. क्या जब आप पहले मूवीज देखते थे, जब आप सेट पे भी नहीं थे, इंडस्ट्री में ही नहीं थे, और बाद में इंडस्ट्री के बाद, इंडस्ट्री में जॉइंट होने के बाद में, काम करने के बाद में, कितना फर्क पड़ा आप जब मूवीज देखते हो अभी? फर्क ये पड़ता है कि जब शुरुआत में आप मूवी देखते थे, जब मैं देखता था मूवी, तो पिक्चर को मैं एंजॉय करता था. अब मैं एंजॉय नहीं करता हूँ. अब मेरे दिमाग में रिसर्च चलती है, अच्छा वहाँ पे कट है, अच्छा यहाँ पे एडिट है, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे अच्छा लाइट पड़ गई, यहाँ बैक लाइटिंग पड़ गई, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग सही है कि नहीं, कि डायलॉग सही वर्क कर रहा है कि नहीं, सीन रिडंडेंट तो नहीं है. जैसे मैं दंगल देख रहा था, मुझे आज भी याद है, दंगल देख रहा हूँ मैं पिक्चर, और दंगल पिक्चर में एक सीन आता है जिसमें आमिर खान अपने भाई के साथ बैठा छत पे दारू पी रहा है. मैंने बोला कि पिक्चर सही तो चल रही थी, कहाँ बीच में बोरिंग का सीन ले आया, दोनों भाई बात कर रहे हैं, वो एकदम बड़ा एक्टर भी नहीं है, उसको जबरदस्ती का रोल देना है. मैंने बोला कि देखा वो दंगल, देखी सबने, वो सीन आया एकदम से. तो मैं आई वाज ओवर एनालाइजिंग इट, कि मतलब यार ये सीन की जरूरत नहीं थी, क्यों चल रहा है ये, चला आई वाज नॉट एंजॉयिंग द फिल्म. हाउएवर टर्न्ड आउट कि दैट सीन वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सीन्स ऑफ द फिल्म, ठीक है, क्योंकि दैट्स वेयर ही गेट्स द आईडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ठीक है. देखिए अगर पिक्चर देखिए तो तुम समझ जाओगे उसमें क्या था. अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना, मैं स्क्रीन राइटिंग की क्लास भी सोच रहा हूँ लेने की, ठीक है, पेड क्लासेस होंगी, ठीक है, सीन राइटिंग डायरेक्शन एंड एक्टिंग सेपरेट सेपरेट, ठीक है. And I will teach you everything, show films to you, and also teach you every basics of all these things. कि क्या क्या elements होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, so that तुम लोगों को Stanislavski ना पढ़ना पड़े, Meisner ना पढ़ना पड़े, ये सब चीजें ना करनी पड़े. Screen writing के कौन कौन से elements होते हैं, फिर हम लोग screen writing लिखेंगे साथ में. वो सारी, जब मैं course structure बना रहा हूँ, जैसे ही बना लूंगा मैं डाल दूंगा WhatsApp group पे, जो join करना चाहते हो join कर लेना, शाम को हम लोग meet किया करेंगे, and then we'll discuss this. जो direction join करना चाहता है direction join कर ले. हाँ हिमांशु बताइए. मेरा सवाल शुरुआत होता है कास्टिंग डायरेक्टर से. अच्छा, हम कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बनते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मैं अपने फिल्म को कैसे डायरेक्ट करने, मतलब एक डायरेक्टर कैसे बन जाऊं, मतलब अप्रोच क्या होगा? पहले कास्टिंग डायरेक्टर बनना होगा. हाँ. उसके बाद फिर मतलब समय तो देना ही है कास्टिंग डायरेक्टर में, आप टाइम देते, मतलब अप्रोच हमारा कैसा रहेगा? कास्टिंग डायरेक्टर आदमी को हालात बनाते हैं. जितने कास्टिंग डायरेक्टर मुंबई में देख रहे हो ना, वो सब एक्टर बनना चाहते थे. फिर उनका फ्रेंड होता है, असिस्टेंट होता है, डायरेक्टर होता है, वो कहता है यार एक्टर चाहिए, बहुत सस्ते एक्टर चाहिए मेरे को. कहता है काम करता हूँ, सुन मैं 5,000 रुपए कमरा बुक करता हूँ, लड़के बुलाता हूँ, ठीक है, और उसी में से किसी बच्चे को ले लेंगे. ऐसा करके उसका डेटाबेस हो जाता है. वो बताता है यार मेरा फ्रेंड है सस्ते में कास्टिंग करता है, उसने शुरू किया है. करते 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 दैट्स हाउ यू बिकम कास्टिंग डायरेक्टर. और द सेकंड मेथड, यू स्टार्ट वर्किंग अंडर सम कास्टिंग डायरेक्टर, एंड देन व्हेन यू डेवलप इनफ कॉन्टैक्ट्स विद प्रोड्यूसर्स एंड क्लाइंट्स, तुम अपना कास्टिंग कंपनी खोल सकते हो. जैसे एड फिल्म्स होता है, एड फिल्म में बहुत कास्टिंग के लिए काम होता है, तो अपना कंपनी खोलो. दीज आर टू मेथड्स ऑफ गेटिंग इनटू कास्टिंग, ठीक है. एंड कास्टिंग में पैसा नहीं है इनिशियल लेवल पे. इंटर्न को या असिस्टेंट को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देते, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही नहीं देते लिटरली. सो यू नीड टू बी, यू नीड टू हैव सम मनी फॉर टू सर्वाइव वन ईयर इफ यू वांट टू गेट इनटू कास्टिंग थिंग, ठीक है. और दूसरा, डायरेक्टर बनना कास्टिंग से, तुम मुकेश छाबड़ा की बात कर रहे हो बेसिकली, कि मुकेश छाबड़ा डायरेक्टर बन गया. ऑफकोर्स उसने कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए इतने, ही डज नॉट हैव डायरेक्शन स्किल्स, पर उसने कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए उतने. प्रोड्यूसर मिल गया, फॉक्स स्टार स्टूडियो ने कहा कि भैया हमें फिल्म बनानी है. उसने कहा भाई सुशांत सिंह मेरा दोस्त है, मैं पिक्चर बनाता हूँ आपके लिए. तो सुशांत सिंह दोस्त है, उन्हें पता है कि पिक्चर तो कुछ भी गंदी बनाएगा तो भी चलेगी, वो समझ रहे हो. फिर सेट पे
बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं तुमको लगता है कि उस डायरेक्टर ने वो पिक्चर डायरेक्ट की है, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे सेट पे ऐसा होता है चीफ एडी डायरेक्ट कर रहा होता है, नाम डायरेक्टर जाता है जो कि प्रोड्यूसर लेके आता है, एक्टर लेके आता है, वो सिर्फ सेट पे वो एक मॉनिटर बैठ के एक्शन कट यही कर रहा होता है, पूरा समझाने का मुद्दा सारी चीजें करना वो सब चीफ एडी कर रहा होता है। तो जो ऑटर थ्योरी ना पढ़ी तुमने फिल्म सिनेमा में, वो अप्लाई नहीं होती इंडिया में। मैं तो ऐसी फिल्मों पे सेट पे गया हूँ जहाँ पे डायरेक्टर जो है वो दिन में एक बार आता है लंच के टाइम में, लंच करता है, पांच छह लोगों को लेके आता है, अपने पुलिस पुलिस के अधिकारियों को सेट दिखाता है, लोगों से एक्टर एक्टर से मिलाता है और चला जाता है, और सेट पे बाकी लोग डायरेक्ट कर रहे होते हैं, कभी चीफ एडी कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, इस तरह से फिल्म बनती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ जो आइडियोलॉजी तुम लेके आओगे ना नोलान को देख के, फिंचर को देख के और बड़ी बड़ी फिल्मों को देख के, बड़े बड़े एक्टर्स को देख के, इट इज नॉट एज चार्मिंग एज इट लुक्स। हम क्या करते हैं, हम मेहनत करके उसको चार्मिंग बनाते हैं सो दैट यू लाइक इट। Basically, behind the scene is not that charming. So, you have to understand it and you have to be ready for it. But the results are glorifying. Tum actor banoge, the results of it are glorifying. You get a lot of money for that. You get a lot of glamour for that. You get a lot of fame for that. But the process of attaining it is not entertaining. बहुत बोरिंग प्रोसेस है, 50+ कट होते हैं, गाली पड़ती है, भगाया जाता है, ये होता है, और कास्टिंग पे जाते हो, ऑडिशन देते हो, रात में माइग्रेन हो जाता है तुमको, ये काम नहीं मिल रहा है, छह छह महीने खाली बैठे हो, एंड यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, एक फ्रेंड है जिसको जिसने कुछ भी नहीं किया, इसको एक्टिंग भी अच्छी नहीं है उसकी, एंड ही इज गेटिंग वर्क असाइनमेंट्स एक्टिंग के बाद एक एक्टिंग कर रहा है, घर पे उसके पैसे भी आ रहे हैं, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड लुकिंग ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, कॉम्पिटिशन है, ये है वो है अपना दिमाग का। सो बेसिकली द फंडा इज घूम फिर के there is no law, there is no rule how to do that. You do as you move along. तुम्हें वहाँ जाके ही पता चलेगा, तुम्हें एक स्टेप दिखेगा कि अच्छा मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इससे ये करता हूँ। अभी तुम कास्टिंग डायरेक्टर का ऑफिस में पहुंचे, यू विल गेट टू नो, अच्छा इस बंदे से दोस्ती कर लेता हूँ, दोस्ती कर लूंगा तो मेरा चीज सही हो जाएगा। ठीक है, सो यू टेक योर डिसीजंस एज यू मूव अलोंग, डोंट ट्राई टू फिगर आउट द एंटायर प्रोसेस कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा तो मेरा मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसे डिफाइन मत करो प्रोसेस को। And ये आदमी तब करता है when he is too ambitious. You are not enjoying the process. You are just doing the process for the sake of it. You should love Mumbai when you go Mumbai. You should love films when you go to films. You should love sets. You should love camera. You should love actors. ठीक है? Only when you are fascinated by those things, you will never fail to achieve success. ठीक है? चाहे आप कैसे भी वहाँ पहुँचो, वहाँ पे contact आपको बनाने होंगे, आप ही कास्टिंग से जाओ जाते हैं यार, अपने आप बन जाते हैं। यू टॉक टू पीपल, यू बी नाइस टू पीपल, कॉन्टेक्ट क्यों नहीं बनेंगे? यू हैव सम मनी, यू ट्रीट देम विद थिंग्स, जो चाय पिला रहे हो, किसी कॉफी पिला रहे हो, कॉन्टेक्ट ऐसे ही बनते हैं ना। रैंडमली किसी आदमी तुम दोस्ती करना चाहते हो, दोस्त नहीं बनेगा, उसके थ्रू कोई और बंदा है वो दोस्त बन जाएगा, चिगड़ी बन जाएगा। मेरा एक दोस्त है, मेरे बगल में रहता था, बहुत बड़ा एक्टर है वो, ठीक है, तो मेरी बात बात होती थी उससे। तो उसने एक दिन उसके किसी डायरेक्टर फ्रेंड को राइटर चाहिए होगा, तो उसने मुझे मिलवा दिया कि ये फ्रेंड जो है इससे मिल लो, उसको एक राइटर चाहिए, स्टोरी लिखवानी है। अब वो जो दोस्त है जिसने मुझे मिलवाया था, वो तो मेरी जिंदगी से अलग हो गया, मतलब अलग क्या हो गया, हमारी बात थोड़ी कम हो गई, पर जो बंदा जिससे उसने मिलवाया था वो आज मेरा घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, यू रैंडमली जनरेट कॉन्टैक्ट, रोड पे जाते हैं, लिफ्ट पे कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, कहीं भी जाता है, यू जस्ट सीक पीपल, यू जस्ट टॉक टू एवरीवन, यू डोंट नो हु इज, कौन तुम्हारी हेल्प करेगा। एक स्पॉट बॉय वाले ने मुझे बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाके बैठा दिया था। एनीवन कैन हेल्प यू, एनीवन कैन हेल्प यू, सो डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट आदमी है, मैं इसी से बात करूंगा, वो ऐसा है, तुम सबसे दोस्ती करो, दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस Making friends, okay? Road पे security guard से बात करो, auto वाले से बात करो, दोसे वाले से बात करो, किसी से बात करो, just keep on talking, just keep gaining that experience कि मैं लोगों से कैसे बात करूँ। ठीक है, don't follow the entire process कि मैं सब जान लेता हूँ। नहीं नहीं आप रहो, एक मैं hold करो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात हो रही थी? क्या कब तुम आ गए तुम लोग? तो मेरे को एक सवाल पूछना था कि एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमें असिस्टेंट डायरेक्टर करना चाहिए, कंटेंट डायरेक्टर करने के लिए या कोई और काम करना चाहिए? एक्टिंग फील्ड में घुसने के लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम्हें करना चाहिए, कोई एक तरीका नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर बन के डायरेक्टर के पास जा सकते हो, जाओ। ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर बन, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बन के जा सकते हो, बाद में कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हो कि सर मुझे ही कास्ट कर लो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, वॉट एवर इट टेक्स, ये लाइन हमेशा याद रखना, वॉट एवर इट टेक्स टू बिकम एनीथिंग। जी, मर्डर मत कर देना किसी का, बट बाकी जो भी लीगल चीज में एंटर होता है वो सब कुछ तुम लोग कर सकते हो बनने के लिए। वहां जाके पता चलेगा, तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। तो होगा क्या है, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर बनने जाओगे, तुम उसमें इतना खो जाओगे, काम इतना होगा, छह छह महीने तुम अपनी एक्टिंग भूल जाओगे, फिर तुम उसी काम करने लग जाओगे, देन यू विल लूज द फोकस। ठीक है, तो ऑलवेज कीप द फोकस कि अच्छा मुझे एक्टर बनना है तो मेरे को क्या क्या तरीके हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने भी जाओ तो डायरेक्शन में ध्यान मत दो, डायरेक्टर से दोस्ती करने में ध्यान दो ताकि वो तुम्हें लॉन्च करे उस हिसाब से। ठीक है,
सो ये डिसाइड मत करो, बस एक्टिंग सीखो और वहां जाओ, तुम्हें अपने आप रस्ते दिखेंगे। मैं किसी को नहीं जानता था वहां पहुंचा था, अपने आप ही रस्ते दिख रहे थे मेरे को, अच्छा ये कर देता हूँ, अच्छा ये कर देता, बाद में सोच रहा हूँ अच्छा कल एक काम करता हूँ उसके पास चला जाता हूँ, काम करता कल उसके पास चला जाता हूँ, गेट टू नो दैट। और सर अभी जैसे कांटेक्ट की बात हो रही है, बार बार आ रहा है कांटेक्ट बनाओ, जैसे हम कांटेक्ट करते हैं सबसे, लेकिन हम डायरेक्ट सेट पे काम कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट ही, तो एक थोड़ा सा शायद हट के सवाल हो लेकिन शायद अगर बताएं आप तो अच्छा होगा। अरे नहीं, नहीं, मैं गप्पे मारता तो सवाल कुछ भी पूछो तुम लोग। अच्छा हाँ, तो मतलब हम जो कॉन्टेक्ट बना रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, चापलूसी करना और कॉन्टेक्ट बनाना दोनों में डिफरेंस क्या? चापलूसी तो ये है कि तुम यार क्या कहते हैं डिसऑनेस्ट हो अपने एप्रिसिएशन में, ठीक है वो दिख जाता है, बट अगेन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ, अगर चापलूसी से भी तुम्हें काम मिलता है तो करो, ठीक है। मैंने बताया ना व्हाटएवर इट टेक्स अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव अ फिल्म इन योर हैंड, इफ यू हैव मनी इन योर हैंड, जिसकी आवाज आ रही है वो बंद कर ले यार, पीछे से घर से आवाज आ रही है, तो इफ यू हैव मनी इन योर हैंड, इफ यू हैव क्या कहते हैं फिल्म इन योर हैंड, इट डज, कौन देख रहा है बताओ मेरे को, तुम पीछे ठीक है, तुम किसी के पैर चाट रहे हो अपनी फिल्म के लिए, ठीक है किसको फर्क पड़ता है, स्क्रीन पे कौन आ रहा है, तुम ही आ रहे हो ना, दुनिया को पता चलता है, मुंबई बहुत गंदा जगह, वहां पे गंदी गंदी चीजें होती है, किसको फर्क पड़ता है, तभी दिख रहा वो आया नहीं था, वो ड्रग्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या पब्लिक को फर्क पड़ता है, वो ट्विटर पे जितने लोग बैठे उनको फर्क पड़ता है जो न्यूज पढ़ लेते हैं, बाकी तो जो गाँव में जो लोग हैं उनके लिए तो भगवान है ना वो लोग। इट डजंट मैटर हाउ यू डू इट, वॉट मैटर्स इज यू डू इट, यू गेट देयर नो मैटर वॉट पाथ यू टेक, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज आप बोल लो नहीं तू बोल तो अब ये जैसे हम कर रहे हैं लेकिन अगर हम पॉजिटिव में ही चलना है, मतलब वो चापलूसी ना कहला जाए, तो हमें कितना तक कहां तक ध्यान रखना होगा अपने आप को कि वो चापलूसी ना कहला जाए, हम मान लेते हैं वो भी कर सकते हैं हम, मैजिक, लेकिन मैजिक अगर वो हम करना ना चाहे, मैजिक हाँ एक मैजिक में अगर तुम मैजिशियन बनोगे ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल सिखाया जाता है, इफ यू डोंट बिलीव इन द मैजिक द ऑडियंस वोंट, अगर तुम्हें पता है तुम उनका चूतिया काट रहे हो, उनको पता चलेगा तुम उनका चूतिया काट रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम विद चापलूसी इज यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर एप्रिसिएशन, बेसिकली यू आर एप्रिशिएटिंग पर्सन, व्हाट इज चापलूसी, यू आर एप्रिशिएटिंग द पर्सन, द प्रॉब्लम इज यू आर डिसऑनेस्ट विद इट, यू डोंट फील इट एंड यू आर डूइंग इट, ठीक है। इसमें भी तुम्हें मैं बोलूंगा, ये किताब पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसमें उसने लिखा है बी लैविश इन योर प्रेज and honest in your appreciation, ठीक है? So when you're doing that, पढ़ा था ये वाला। हाँ, so when you are doing this ना, this appreciation thing, तो 5 मिनट पहले अपना convince कर लो जिस आदमी में तारीफ करने आ रहा हूँ, वो सही में बहुत अच्छा है, भले ही झूठा convince करो अपने आप को, पर convince करो। So at that time when you do that ना, वो चापलूसी नहीं लगेगा, genuine appreciation लगेगा, ठीक है? Just work on your mind, और कुछ नहीं। और कोई सवाल? हेलो सर। हेलो। सर और एक थर्टी कास्ट कितनी मैटर करती है सर इंडस्ट्री में? कास्ट जी सर, क्योंकि बहुत लोग नाम भी चेंज करते हैं, कास्ट बहुत मैटर करती है छुपाने के लिए, बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैंने मुस्लिम डायरेक्टर्स देखे हैं जो उनका क्रू ही पूरा मुस्लिम होता है, कुछ ऐसे देखे हैं जो बनारस के हैं या लखनऊ के हैं, हिंदू लोग वो वही लोग रखे हैं, कुछ पारसी लोग हैं तो वो पारसी टीम भी रखेंगे, सो दैट हैपेंस, मतलब वो कास्टिज्म है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ना उसे डील कर सकते हो, इफ दे आर हायरिंग समवन देयर इज नो लॉ टू प्रिवेंट देम कि आपने इन्हीं सेक्शन के लोगों क्यों हायर किया है, सो यू विल फेस दैट, कास्टिज्म इज देयर, सो एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट, इज देयर चॉइस, इज देयर प्रोडक्शन, इज देयर डायरेक्टर्स डिसीजन टू कास्ट पीपल, सो यू विल फेस दैट पार्शियलिटी। ओके भैया एक बात और, अभी मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं बिहार पटना में, वैसे मैं झारखंड का हूँ लेकिन पटना में थिएटर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो सोच ये रहा हूँ कि ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मैं थिएटर से जुड़ा रहूँ और थिएटर में काम भी कर रहा हूँ, प्ले भी कर रहा हूँ, तो क्या ये सही है कि मतलब जब तक, फिर आपका आपके प्रोसेस जो है कुछ उस पर मैं टास्क ये सब भी कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेस से चलना क्या सही है कि थिएटर भी करते रहूँ, बनना मुझे डायरेक्टर ही हो, मेन मोटिव मेरा डायरेक्टर, वहां पे लोगों को बोलता हूँ तो बोलते हैं कि पहले एक्टिंग तो कर ले, एक्टिंग कर लोगे तो डायरेक्टर बन जाओगे,
ऐसे भी लोग करते हैं। सुनो तुम बस वो करो जो तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, थिएटर में क्या है क्यों कर रहे हो? थिएटर मेरा मोटिव है, सबसे ज्यादा मैं बैक स्टेज पे फोकस करता हूँ कि अगर डायरेक्टर वहां बैठा है उसके साथ में डायरेक्टर जो सर हैं उनको मैं ज्यादा देखता हूँ वो कैसे आगे चल एक्टर को डिलीवर कर रहे हैं, उन सब चीजों पे ज्यादा एक्टिंग। अगर कास्ट होती है मुझे तो फिर मैं एक्टिंग भी करता हूँ, नो डाउट। आवाज बहुत आ रही है। कौन है भाई? मिलन। मिलन क्या लाल लाल किए हुए दुनिया को, तो कहाँ गया वो? हाँ हिमांशु तुम सही कर रहे हो, ठीक है, कुछ गलत नहीं। अगर तुम थिएटर नहीं करते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते ना। एटलीस्ट यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू आर लर्निंग न्यू क्राफ्ट्स, ठीक है। एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू हेल्प यू योरसेल्फ प्लीज, इज गोइंग टू हेल्प यू। एनीथिंग दैट यू विल डू इज गोइंग टू हेल्प यू इन बिकमिंग द डायरेक्टर और एक्टर। इट डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, एनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव वेदर ऑफ लाइफ वेदर ऑफ रिलेशनशिप्स। अबे क्या कर रहा है मिलन? So, any experience that you have, that is what you need to become director. Because as a director, all you need is visualization. Okay, technicians are pass. Hey, mute रखो भाई आप लोग। हाँ, ठीक है। So you are doing right. There is no problem. Theater करो, theater करना बहुत अच्छा है। ठीक है, वहाँ से discipline generate होता है बहुत। जो सबसे चीज़ मिलती है वहाँ से discipline generate होता है। Second, hesitation निकलता है life से। Hesitation नहीं होना चाहिए। बस एक चीज का हेजिटेशन अभी तक नहीं मिट पाया कि मैं कांटेक्ट बनाना, मतलब लोगों से बातें करना। अगर वो बातें करोगे तो होगा, ठीक है, लोगों से बात करना शुरू करो। मेरे नजरें बहुत भागती है लोगों से बात करना, ऐसे एक्टिंग में कुछ नहीं होता। वो जो एक्सरसाइज बताइए वो मैं देख लेता हूँ, कील कील लगा के उस पर देखते रहो लगातार, यू विल इंक्रीज योर गेज। ठीक है, एक्सरसाइज सवाल मेरे साथ भी थी कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, बट जब मैं डांस सीखने लगा ना, मैं नए नए लोगों से मिलने लगा रोज रोज, तो धीरे धीरे अपने आप मेरी कम होती गई। अभी काफी सही हो चुकी है, मैं किसी से बात कर लेता हूँ, कोई नया बंदा हो, ज्यादा अच्छी भी नहीं, मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, तो ये चीज अपने आप ही मेरी दूर होती गई जब डांस सीखने लगा। तो तुम डांस से अलावा ना अपनी वॉइस पे काम करो, वॉइस पतली है और शब्द ओवरलैप होते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। एक ट्यूशन पकड़ लो या कुछ कर लो, बट वर्क ऑन योर वॉइस, यू हैव टू हैव थोड़ा सा भारी वॉइस, ठीक है, यू वांट टू बिकम एक्सेप्ट। ऐसा मैं पहले ओम का रियाज करता था, सारे गामा पा सारा कुछ करता था, जितना टाइम करो उतना सही रहता है, जब मैं छोड़ दूं इसे तो फिर से खराब होने शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो छोड़ना किस डॉक्टर ने बोला तुम्हें, करते रहो ना सर, थोड़े दिन तो काफी बढ़ गया ना, नहीं करते रहता हूं सर मैं। ये तो वही है, वही चीज है कि सर पता नहीं मेरे हाथ में जाओगे, जब मैं उंगली घुसेड़ देता हूँ दर्द होता है, जब निकाल लेता हूँ तो दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा कैसे होता है? इससे कई बार गैप पड़ जाता है, बिजी हो जाता हूँ, काफी शेड्यूल बिजी हो जाता है, तब फिर से वही चीज हो जाती है वापस से। भाई तो वही तो डिसिप्लिन है, तुम प्रॉब्लम तो ना बता रहे हो, तुम तो ये बता रहे हो फिर मैं कितना लेजी हूँ। तुम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करोगे एज एन एक्टर, आप भाई कौन कर रहा है ये गाना बजा रहा है, तुम अपना डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट जी, ठीक है। सो यू नीड, यू हैव द सॉल्यूशन, यू हैव द सॉल्यूशन, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वर्क ऑन इट। सर चैट में अगले टास्क, हां हमारी अगली टास्क कब शुरू होगी? यार मुझे यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं सोचता था मुझे यहाँ पे काफी टाइम मिलेगा तो उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है। मैं सोचा इस साल में 500 वीडियोस भी कर लूंगा। अब इस पे तो कुछ हो रहा है लेकिन इसका कुछ काम नहीं हो रहा। आइडियाज, अच्छा आइडिया, ठीक है, तो मैं टास्क की लिस्ट बना देता हूँ, ये करके तुम लोग देता रहूंगा, ठीक है। मैंने बनाई हुई थी क्या बुक्स, 11 तक नहीं, वो लिखा हुआ है मेरे पास, टास्क में लिखे हुए हैं, उस टाइम भी मैं बिजी हो गया था, मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, हां मैं देता हूं तुम लोगों को। चलो फिर, एक घंटा हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा हां पूछो पूछो। मेरा सर क्वेश्चन ये है, बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं वो अपना नाम चेंज करके काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, पेमेंट वो उसी नाम पे लेते हैं जिस पे उनका बैंक चलता है। ओ नहीं, तो मतलब उसका तो रियल नाम तो अलग है ना, जो गवर्नमेंट आईडी में अलग है, फिर बैंक में भी अलग होगा, लेकिन वो काम कर रहा है किसी और नाम से। भाई वो तो फ्रंट नेम है ना, वो बैंक अकाउंट से तो ना पब्लिक देखने जा रही है, उसका बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, पर्सनल बैंक अकाउंट में नंबर क्या है उसका, वो तो ना पब्लिक डिस्प्ले पे है, वो तो वहां अक्षय कुमार का भी तो कोई और नाम है, राजीव भाटिया है, राजीव भाटिया, राजीव भाटिया। अगर तुम उसके लिए सीरियस हो तो मैं गवर्नमेंट में बॉन्ड बना के चेंज कर सकते हैं, चेंज करना पड़ता है उसको, तुम नहीं चेंज करते हो, तुम सिर्फ स्क्रीन नेम रखा है, देन योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑन द ओरिजिनल नेम,
उसकी नेम कुछ भी रखो, इट डजंट मैटर। वो तो एक्टर्स वहां पे चेंज करते रहते हैं, हम दूसरे दिन चेंज करते रहते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लिए तो उसके बाद वो कुछ आई लगा देंगे, कुछ पी लगा देंगे, कोई के लगा देगा आगे पीछे, वो तो चलता रहता है वहां पे। जैसे राजकुमार राव ने भी तो चेंज करा था। हाँ, वो राजकुमार यादव था, उसी राजकुमार राव के लिए। और सर मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो आपका चैनल मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, देखूंगा आपकी वीडियोस वगैरह। तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी, निकल जाओ यहाँ से। नहीं नया सर, नया है। अच्छा नया न्यू बंदा हूँ इधर, मतलब ये अमन है ना, इसने मेरे को लिंक भेजा था, बोला कि सर का अटेंड कर जूम मीटिंग। अच्छा अच्छा, सही है सही है। अब आप सब्सक्राइब करना, ठीक है? एक सब्सक्राइबर बढ़ा, इतनी मेहनत करी मैंने, एक घंटा भी एक सब्सक्राइबर बढ़ा। आज मैं बहुत थका हुआ था, और एक्चुअली मैं आज शिफ्ट भी कर रहा हूँ दूसरे घर पे, तो मैं घर देखने गया था 11 बजे, तो इस चक्कर में मैं वो मीटिंग मैंने शिफ्ट करी 1 बजे। मैंने कहा पता नहीं फिर ना हो पाए, तुमने चेचे करो ग्रुप में, बोला था आए नहीं, तो इसलिए मैंने कहा शिफ्ट कर दो थोड़ा 1 बजे सेफ साइड। क्वेश्चन मुझे आना है दिल्ली बेसिकली। हाँ, किसका क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है सर? किसको एक्टर को, एक्टर को एक्टिंग के अलावा और क्या क्या चीजें आनी चाहिए? बस वही आना चाहिए, खाना बना ले। मान लो एक्टिंग का धंधा ना चले तो रेस्टोरेंट का धंधा चलेगा ही। खाना बनाना आना चाहिए, खाना बना ले, झाड़ू कटका कर सके, राई घर साफ हो, भाई के पैसे बच जाएंगे 2000 रुपए। अबे एक्टिंग, एक्टर को एक्टिंग ही आनी चाहिए, राइटर को राइटिंग आनी चाहिए, इट्स एज सिंपल एज दैट। और कुछ नहीं है, वो जो घुड़सवार कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हारा जो सवाल है वो उसके लिए डायरेक्टेड है, कि एक्टर को मतलब क्या बॉडी बनानी चाहिए, क्या स्विमिंग सीखनी चाहिए? नहीं, गेट पेड फॉर दैट। ठीक है, वो मुंबई में क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, कई एक्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है? तो क्या होता है, जब उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, काम कर तू बॉडी बना क्या, तो उनको पता है 6 महीने तक ना डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर कभी किसी को बोल देंगे घुड़सवारी सीख क्या, उस रोल में घुड़सवारी की जरूरत है, 2-6 महीने घुड़सवारी सीखता रहेगा, उन्हें पता है 6 महीने तक डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो चीजें मार्केट में फैल गई इस तरह से, कि एक्टर बनने के लिए बॉडी बिल्डिंग करना और घुड़सवारी सीखना और स्विमिंग करना जरूरी होता है। व्हाट हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी ह्यूमंस वी सी व्हाट वी बिलीव एंड बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स वी थिंक दैट दिस इज रिक्वायर्ड टू बिकम सर्टेन थिंग्स। ठीक है, हमने 5 एक्टर देखे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि सारे एक्टर्स को बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, जबकि सच्चाई नहीं है, है कि नहीं? हमारा जो डेटाबेस है वो इतना कम है कि 5-6 एक्टर ही जिनकी बॉडी है, पर उनके बेसिस पर डिसाइड किया कि सबको बॉडी बनानी चाहिए, तब आप एंट्री हो जाती है। वहां लोग बड़े बड़े हाथ लेके ऐसे टहलते रहते हैं दिन भर, कोई काम नहीं मिलता उनको। अपार्ट फ्रॉम बॉडी यू नीड टू नो एक्टिंग, एवरीथिंग एल्स इज एडिशनल। बॉडी बिल्डिंग, सॉरी, एक्टिंग इज प्रायोरिटी। इफ यू डोंट नो एक्टिंग एंड येट यू नो एवरीथिंग एल्स, लोग एक्टिंग क्योंकि डिफिकल्ट है उस पर फोकस नहीं करते हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, चेहरा अच्छा कर रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं, भाई वो तब तो सेकेंडरी है, वो तब होगा ना जब रोल सेट पे जाओगे। और सेट पे जाने के लिए क्या प्रिपरेशन करी आपने, वो प्रिपरेशन नहीं करी आपने, ठीक है? सर मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी है और उन्होंने बता रखा है कि एक्टिंग तो आनी चाहिए बल्कि डांस भी, हर चीज आनी चाहिए, तो मतलब ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाते हैं। जो डांस क्यों आना चाहिए तुमको, कोरियोग्राफर है ना वहाँ पे, वो हायर करेगा ना कोरियोग्राफर, तुम्हें थोड़ा बोला जाएगा एक काम करो जाके नाचो हम शूट कर रहे हैं, कौन बोलेगा ऐसा तुम्हें? एक कोरियोग्राफर होगा ना सेट पे जो तुमको सिखाएगा वो सारी चीजें, ठीक है? एट द टाइम सिखाते हैं वे, तो ऐसे ऐसे कर लेंगे जो सारे सलमान खान मतलब कैमरा लगा दिया चलो शुरू हो जाओ, ऐसा थोड़ा होता भाई, प्रैक्टिस होती है, वर्कशॉप्स होती है, उनका कहना भी सही है, अगर वो डांस भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्या 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 डांस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शायद वो सही भी बोल रहे हैं कि अगर उन्हें डांस करना चाहते हैं कर सकते हैं। कौन मतलब एक्टर अगर डांस सीखना चाहता है? नहीं नहीं, डांस सीखना चाहते हो सेपरेट चीज है ना, वो तो तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम कह रहे हो एक्टर कंपलसरी नहीं है। हाँ कंपलसरी नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तुमको सिखाएंगे उस चीज के लिए, उसके लिए वो पैसे खर्च करेंगे, कोरियोग्राफर होगा उसके लिए। अब तुम्हें एक्टर बनना है, तुम चाहते हो चेहरे पे मेरा कैमरा फेस अच्छा है, तो तुम कैमरा तो ना सीखोगे, वो तो डीओपी का काम है ना, वो करेगा। तुम्हारा काम क्या है, एक्टिंग करना। तुम्हारा काम ये है कि मैं जो मुझे बोला जाएगा मैं वो करूंगा, जो डायरेक्टर मुझे बोलेगा, इफ यू कांट एक्ट दैट्स द प्रॉब्लम। पर अगर तुमसे डांसिंग में बोला गया तो कोरियोग्राफर रखा जाएगा, सो दैट यू कैन डांस, ही विल टीच यू इन हिज
वर्कशॉप हॉल वो होगा तुम्हारा सारी चीजें और तुम्हें सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बॉडी बॉडी के लिए भी ध्यान मत दो, ठीक है, कि बॉडी बनानी है सिक्स पैक आप बनाना है। वो जब तुम्हें बोला जाएगा ना कि अरे जो अगली पिक्चर है आपकी वो दीपिका पादुकोण के साथ है 3 महीने बाद और आपको उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, आप सिक्स पैक ऐप बना ले, कुत्ते की तरह काम करे बना लोगे सिक्स पैक ऐप, समझ रहे हो? वो सिर्फ मोटिवेशन सिर्फ इसी चीज का है और कोई बात नहीं है। पर एक्टिंग अगर अच्छी है यू आर सिलेक्टेड फॉर एनीथिंग बिकॉज दे नो दैट यू आर रेडी टू वर्क, तुम अपनी बॉडी चेंज कर लोगे उसके हिसाब से। एक सवाल और था बस लास्ट, क्या क्या सर, ये आपको आपके हिसाब से ज्यादातर स्टार्टिंग जो ऑडिशन की चाहिए मतलब टीवी सीरियल में ज्यादा देनी चाहिए ऑडिशन या फिल्म्स में स्टार्टिंग में? सब जगह दो। अभी तुम में तो कोई इस लेवल से नहीं है जहाँ पे चॉइस ले सके, या तो सुनो मेरा मन जो है वो तो फिल्म में जाएगा, मैं फिल्म में जाऊंगा। पहले तो पैसा जमा करो, ठीक है, जहाँ काम मिलता है, मतलब तुम जितना इजी सोच रहे हो ना उतना है नहीं। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा, जब तुम्हें कोई शॉर्ट फिल्म के लिए भी ऑडिशन के लिए बुलाएगा ना तुम पहुंच जाओगे, चलो यहाँ तो काम मिल जाए, ठीक है। When you are new in Mumbai, you don't have a choice. You get choice after 5-6 years. आमिर खान ने भी इश्क 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 करी थी, ऐसी थी पिक्चर, नागिन जैसी पिक्चर करी थी, मंगल पांडे 10-15 साल बाद बनाओ, अब मैं अपने हिसाब से पिक्चर करूंगा, अपने हिसाब से बाल बढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से पिक्चर वो करूंगा, ठीक है। पर इनिशियल जब तुम जाते हो ना चॉइस नहीं होती, जो मिल रहा है करते रहो, सेट पे जाना है बस। तुम्हें फिल्म मिल रही है, कॉर्पोरेट फिल्म मिल रही है, टीवी मिल रहा है, ओटीटी मिल रहा है, जो मिल रहा है। तो पहले 5 साल ना आमिर खान मत बनो, पहले 5-7 साल मैं तो फ्री में भी काम करने के तैयार हूँ, बस वो कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। एक लड़के ने मुझे फोन किया था कि मैं सर फ्री में काम करने को तैयार हूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों लूँ देखो फ्री में क्यों लूँ, टैलेंट है तुम्हारे अंदर, टैलेंट है नहीं तुम्हारे अंदर, फ्री में लेके मैं अपनी पिक्चर बर्बाद करूंगा क्या, मैं क्यों लूँ तुमको फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। लोग मुंबई में, तुम लोग कई लोग मुझे बोलते हैं मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, तो ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट नहीं है मुंबई के लिए, वहां पे लोग पैसा दे के काम करते हैं। तुम्हें फ्री में भी मैं सेट पे नहीं रखूंगा, तुम्हें खाना खिलाऊं फ्री में, तुम्हें सिखाऊं फ्री में, तुम्हें पैसे देने होंगे सीखने के लिए। फ्री में काम करना इज नॉट अ स्टेटमेंट एनीमोर इन मुंबई। एडी में भी ऐसा कुछ है क्या पैसे देने का? पैसे नहीं, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ पैसा नहीं देना पड़ता। इफ समवन आस्क्स यू फॉर मनी ऑफ कोर्स ही इज फेक, बट जेन्युइनली दे डोंट गेट यू वर्क ना, तो काम नहीं देंगे वो, क्यों देंगे काम तुम्हें सेट पे रहकर, क्यों सिखाएंगे वो, अनटिल यू आर कनेक्टेड विद देम, अच्छा आ जाओ ये कर लो तुम, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू पे यू टू लर्न, तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। तुम कैसे पे कर दो, लेट इज लुक योर लुक आउट, ठीक है, तुम कन्वेयर देते हो, रेंट देते हो। सर मुझे एक बंदा बोल रहा था कि अगर तूने ऑडिशन दिया, तेरे साथ वाले ने एक ऑडिशन दिया, दोनों को ऑडिशन सेम लगा, उन्हें बढ़िया लगा, अगर बराबर वालों ने पैसे दे रहा है तो भी बराबर वाले को लेगे, तुझे नहीं लेगे, तो क्या ये बात सच है? कुछ किसने बताया तुम्हें? मेरे एक दोस्त था, मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया पे। क्या करता है वो भी इसी चीज में था, पर वो अब हट गया इसी वजह से, नुको भैया मैं अब कुछ और कर रहा हूँ इसमें, ऐसे ऐसे काम होते हैं। नहीं नहीं क्या, ये बताओ उसने ऑडिशन दिया, ठीक है, तो बताओ उस आदमी के सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? वो क्या अंदर ऑडिशन देने बाद गया कि सर कास्टिंग डायरेक्टर हाँ कौन सा ऑडिशन पसंद आया? उन्होंने कहा भाई हम, और कास्टिंग डायरेक्टर इतना अच्छा था, वो बोलता है देख मुझे ये वाला ऑडिशन पसंद है, ये वाला ऑडिशन पसंद है, फिर वो डायरेक्टर बुलाता है, डायरेक्टर साहब इधर आइए, किसको लेंगे, ये कम पैसा ले रहा है ज्यादा पैसा ले रहा है, वो कहानी ना मन से बना रहा है, ठीक है, और तुम उस कहानी को सत्य की तरह ले रहे हो। अबे वो कौन कास्टिंग डायरेक्टर उसको सारी कहानियां बताएगा, कौन बताएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। दो आदमी की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती, दो आदमी के डीएनए सेम नहीं हो सकता, दो आदमी का ऑडिशन कैसे सेम हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। और जहां तक पैसे की बात है, ठीक है, ऑफकोर्स जो चीज उनके बजट में होगी वही लेंगे ना। अगर बजट से कोई आदमी बोलता है कि नहीं मैं तो 50 लाख रुपए लेता हूँ, आता कुछ है नहीं, 21 साल का लौंडा बोले 50 लाख रुपए लेता हूँ, तो कितना अच्छा परफॉर्म करे, नहीं लेंगे उसको, इतना ब्रांड वैल्यू तो जीरो है ना। तो मेन मुद्दा वही है कि तुम्हारी सारी चीजें ना सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अच्छा मैं इतना पैसा लेता हूँ, मेरा इतना ब्रांड है, मैंने इतना काम किया, ये मेरी एक्टिंग का शोरूम है, बेस्ड ऑन दैट दे विल पिक यू अप, एंड मोर देन दैट दे डोंट केयर फॉर यू, दे डोंट केयर फॉर योर मनी, दे केयर फॉर देयर रोल। हम इतना सेल्फिश है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हमको रिजेक्ट कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ हो गया, दे डोंट केयर अबाउट दैट, दे आर लुकिंग फॉर दैट रोल। वो स्क्रिप्ट है वहां पर उनके पास, उस स्क्रिप्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ लुक है उस कैरेक्टर का, उसके हिसाब से ही वो ऑडिशन ले रहे हैं, उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टर को जो लगेगा कि ये कैरेक्टर एकदम सही जा रहा है, ये एक्टर एकदम सही जा रहा है इस कैरेक्टर के लिए, उसको चूज करेगा ना। सो मुंबई में अगर तुम्हें कभी रिजेक्शन भी मिलता है, रिजेक्शन लेना पर्सनली लेना मत, तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे वो, उस कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं, उस कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहे हो इसलिए रिजेक्ट हो रहे हो।
सर 4 साल से यूट्यूब पे यही वीडियो देख रहा हूँ मैं। कौन से? यही एक्टिंग के बारे में। अब देखना बंद कर दो यूट्यूब के वीडियोस, ठीक है? नहीं बस वीडियो एक्ट। अब मेरी ग्रेजुएशन वीडियो तुम्हें फीलिंग देता है, जब वीडियो बनाते ना लोग तो एक तुम्हें बार बार देखते थे फीलिंग देता है, यू आर लर्निंग समथिंग, इट्स अ फेक फीलिंग, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, ठीक है? वो अपनी नॉलेज बता रहा सामने वाला, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू गेट दिस फेक फीलिंग, तुम घर पे बैठे रहते हो वीडियो देखते रहते हो। Watch few videos, then move out. Do something about it. If you're not doing anything about it, then you're just watching videos and wasting your time. Not doing anything. Take action. ठीक है? Take action. Education complete होने वाली है, उसके बाद start करेंगे। हाँ, तो जैसा भी तुमको सही लगता है, वो तो मतलब तुम लोगों का decision है, तुम लोग कब करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। But start now. जो भी चीजें करनी है, धीमे-धीमे करो। और राइटर्स के लिए कैसे सर, जैसे अगर कास्टिंग डायरेक्टर होता है तो राइटर्स कैसे अप्रोच करें जो नए राइटर्स हैं? किसको? किसी डायरेक्टर को? कुछ नहीं, फिल्म इंडिया का एक किताब है, उसमें सबको फोन करके मैसेज करना शुरू करो कि सर मैं राइटर हूं, मैंने ये किया, तुमसे मांगे क्या लिखा है, भेजो, तो उनको भेजो, इफ दे लाइक इट दे विल कॉल यू बैक। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, जितना तुम्हें लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं। सारे लोगों के नंबर तुम्हें इजीली मुंबई मिल जाएंगे, जस्ट कांटेक्ट देम डायरेक्टली, बिना घबराए, लोग कांटेक्ट ही नहीं करते। अरे यार वो मेरा फोन, फराह खान मेरा फोन क्यों उठाएगी? फराह खान ने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो लोग बात करते हैं, तुम उनको इंटरेस्टिंग मैसेज तो करो। बेसिकली क्या है, सब काम ही मांगते रहते, काम दे दो सर, काम दे दो सर, काम दे दो सर, काम दे दो, इसलिए बात नहीं करते वो लोग। तुम उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बात करो तो आगे जाके कुछ चीज होगी। क्या लिख रहा है? बिल मुरे दिखते हो आप, अरे यार माना वोझा ने अच्छा कमेंट किया, तारीफ कर रहा है सुबह सुबह। मेरा भी लास्ट वाला। अबे नहीं लोगों जाना है, कर लेंगे फिर से, कर लेंगे जूम मीटिंग। सर मैं बोला था सर मैं आपको कॉल कर लूंगा। वाह वाह तालियां। सर मैं आपको कॉल कर लूंगा। हाँ कर लेना, कर लेना, आज मत करना, कल करना, मुझे कॉल करना जब भी 3 से 5 के बीच में, ठीक है? सर मेरा सवाल तो खाली होता है। हाँ हाँ बोल बोल बोल, हाथ ही नहीं खड़ा करना है, बोल दो सीधे ये सब। परमिशन तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बोल के जाइए लास्ट में। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, क्या बोल रहे हो? वीडियो YouTube, उसका कौन सा चैनल है सर आपका? YouTube वीडियो, YouTube का चैनल, अभी मैं उसमें वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? जब उसमें 100 वीडियो हो जाएंगे तो फिर मैं उसे पब्लिक करूंगा। अभी नहीं। ओके सर, सर मैं आपको कॉल कब कर सकता हूँ? 3 से 5 वीकडेज, 3 से 5 सर। और वीडियोस कब आएंगे? एक हफ्ता हो गया सर अभी वीडियोस नहीं आ रहे। यार टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ नया कैमरा खरीद लूँ, वो कैनन का GS7। आप 500 पुरा लो पहले, इस वर्ष 500 पुरा लो। हेलो हाँ यार 500 पूरे, यार वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को। 5 मिनट का ही हो लेकिन 500 टोटल पूरे जाने चाहिए। अच्छा आज नहीं, आज तो मैं बिजी हूँ, वीकडेज में आओ, तुरंत ही आ जाता हूँ। सर आपके लिए अगर बुरा ना मानेंगे तो क्या, स्टॉक मार्केट में 5 साल से हूँ तो सब बुरा क्यों मानूंगा मैं? मैं सर जोधपुर से आ जाऊंगा आपसे मिलने। आप बिटकॉइन वगैरह मांग लो इससे। क्या मांग लो? बिटकॉइन वगैरह मांग लो स्टॉक मार्केट में। बिटकॉइन नहीं, मैं इक्विटी में करता हूँ। चलो भाई अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, वो क्या मैं रहता हूँ, मुझे ले आ रहे दिल्ली आज कुछ काम से। थैंक यू सर फिर करेंगे, ठीक है? Okay, bye. Ram Ram.